हरि ओम माम ज्वाला मालिन्य नमः रत्नय सूर्य नमः। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। हरि ओम माम चंद्रमा मनसो जात शक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ज्ञान दिए मुक्ति समवेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ज्ञान दिए मुक्ति पंथ समवेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि ध्यान यही, हरि नाम ही हरि ध्यान यही। प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिरमया दत्त ग्रहण परमेश्वर। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। इदं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी लोग यथा स्थान विराजमान हुए। सभी लोगों से निवेदन अपने अपने स्थान पर शांति बनाते हुए बैठे।
आइए चलते हैं पूज्य श्री महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में आज द्वितीय दिवस की कथा की ओर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगीशायस्य वदने लक्ष्मीरयास्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संविता तमुनर्षि वंशे विभूषित करा नवोने तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे हाँ
ज्वालित हो गया प्रजंतमनुमेतमपेतकत्याद्वैपायनो विरहिकातर्याजुहा पुत्रे चितनमयोतयः तर्वो विनेदो तं सर्वभूत हृदया मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय गुरुदेव भगवान की जय श्री गणेश महादेव की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर जिनकी बात चैनल के माध्यम से दूर दराज स्थानों पर बैठकर श्रवण कर रहे समस्त की परम पावनी ओर से चरणों में लग जाए भगवान की मंगल में कथा में लग जाए
कंदना है जगवंदना
सजन तेरे चरणों में देवादिदेव भगवान गंगेश्वर महादेव की पावन सन्निधि में त्रुपति अभिलव होम्स के इस पवित्र भूमि पर आचार्य पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी के आचार्यत्व में श्री राधा माधव सेवा संस्थान के तत्वावधान में आप सभी भक्त वृंदों के सहयोग से साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। आज कथा का द्वितीय दिवस द्वितीय सुमन भगवान नंद नंदन के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का महात्म श्रवण कर रहे थे और महात्म के श्रवण में दो बातें हमने मुख्य रूप से देखी। एक तो भागवत के श्रवण से ज्ञान भक्ति से ज्ञान वैराग्य से समन्वित भक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान वैराग्य से समन्वित भक्ति की प्राप्ति होती है पहली बात। और दूसरी बात हमने सुनी कि चाहे कोई कितना भी पतित हो, पापात्मा हो, दुरात्मा हो, वो भी यदि भगवत कथा का आश्रय ले ले, इस भागवत का आश्रय ले ले तो उसको भी परम गति प्राप्त हो जाती है।
ये धुंधकारी के प्रसंग के माध्यम से हम लोगों ने श्रवण किया। श्री राधे थोड़ा सा भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ ही सुशोभित होती है। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि जब ज्ञान और वैराग्य अस्वस्थ हो गए, जर्जर हो गए, मूर्छित हो गए, तो भक्ति महारानी दुखी होकर के बिलख रही थी, रो रही थी। क्यों? उसको अपने बेटों की चिंता थी कि मेरे बेटे वृद्ध हो गए हैं। और क्यों ना हो, हर माँ अपने बेटे के लिए चिंतित होगी ही। हमारे जीवन में भी यदि भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो ऐसा मानना चाहिए कि हमारी भक्ति बंध्या है, अथवा उसके जो ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र हैं वो सुसुप्त हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य क्या है? ज्ञान और वैराग्य नेत्र कहे गए हैं। ज्ञान वैराग्य नयन और गारी, ज्ञान और वैराग्य तो नेत्र हैं। यदि हमारे जीवन में भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य नहीं है तो मान लो हमारी भक्ति अंधी है, अंध भक्त। और यदि हमारी भक्ति में दृष्टि नहीं है, वो समझ नहीं पा रही है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो किसी पाखंडी के प्रपंच में फंस जाएंगे। और आज उसके भयंकर परिणाम सामने हैं समाज के। इसलिए भक्ति के साथ में ज्ञान का होना भी परम आवश्यक है और वैराग्य का होना भी आवश्यक है। ज्ञान हो और हम ये समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका निर्णय कर सके। अब प्रश्न ये उठता है कि वो ज्ञान कहां से मिलेगा, वो वैराग्य कहां से मिलेगा, हमें वो समझ कहां से मिलेगी कि हम सही और गलत का निर्णय कर सके। ये विवेक नीर क्षीर को अलग अलग पहचान सके, वो विवेक हमें कहां से मिलेगा, वो विवेक कहां से मिलेगा? गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न जानकारी बढ़ जाएगी, लेकिन विवेक उत्पन्न सत्संग में होगा। सच्चे ज्ञान का अभ्युदय जो है वो भगवान की कथा में, भगवान की कथा से होगा, भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनने से होगा। मन लगा करके भगवान की कथा को सुने। जब ज्ञान जीवन में आ जाएगा तो हम निर्णय कर पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, तो हमारी भक्ति अंध नहीं होगी, हमारी भक्ति अंध नहीं होगी। तो भागवत कथा के श्रवण से एक तो भक्ति ज्ञान के सहित
यदि शरण में आ जाए तो हमारे ठाकुर जी हमारे को शरण में नहीं ले लेंगे क्या? हमारी रक्षा नहीं करेंगे? अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने हाथ उठाकर के समुद्र के सामने, अरे साहब चुल्लू भर पानी भी थोड़ा सा पानी भी कोई अंजलि में रख लेता है और अंजलि में थोड़ा सा जल भी लेकर के संकल्प कर लेता है तो प्राणों के रहते हुए उस प्रण का निर्वाह करता है। लेकिन हमारे रघुनाथ जी ने शरणागतों की रक्षा का संकल्प, शरणागतों की रक्षा का प्रण समुद्र को साक्षी मानकर किया है, समुद्र को सामने रखकर किया है, तो क्या उस प्रण को नहीं निभाएंगे? शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, रक्षक हैं। हम एक बार हृदय से ये स्वीकार तो करें कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं। एक बार अपने आप को श्री चरणों में समर्पित करके तो देखें कि कैसे वो स्वीकार नहीं करता। वो तो बांह फैला करके अपने भक्तों के मिलन के लिए उदार हृदय से खड़ा है। आओ तो सही, आप रामकृष्ण के मंदिर में जाएं तो प्रायः ठाकुर जी खड़े मिलेंगे। श्री विग्रह का आप दर्शन करें तो बैठे हुए राम जी बहुत कम मंदिरों में मिलेंगे, आपको खड़े हुए मिलेंगे। लक्ष्मी नारायण जी खड़े हुए मिलेंगे, राधा कृष्ण जी खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने जिस समय द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आए, द्रौपदी का वस्त्र दुशासन खींच रहा था, वस्त्र अवतार प्रभु ने लिया और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, रक्षा कर ली। बाद में द्रौपदी ने कहा कि प्रभु आपने आने में बड़ा विलंब कर दिया, मैं तो व्याकुल हो रही थी, मैं तो तड़प रही थी, पता नहीं क्या होगा आज इस भरी सभा में, आपने आने में बड़ी देर कर दी। ठाकुर जी बोले, द्रौपदी जब तूने मुझे पुकारा तो मैं बैठा हुआ था द्वारिका में, और जैसे ही तेरी आवाज सुनी तो मैं उठकर तुरंत दौड़ा। अब यदि तुझे लगता है कि फिर भी देरी हो गई तो आज मैं नियम लेता हूं कि अपने भक्तों के लिए खड़ा ही रहूंगा, कब कौन भक्त बुला ले और कहां जाना पड़े, इसलिए भगवान खड़े रहते हैं। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वो खड़ा रहता है। समस्या ये है कि हम दुनियादारी से तो आशा लगाकर बैठते हैं कि ये आ जाएगा ये आ जाएगा, लेकिन भगवान की आशा नहीं लगाते कि ये आ जाएंगे। तो प्रभु का नियम है शरणागत वत्सलता, शरण में आए हुए का वो त्याग नहीं करते। हम लोग कथा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से भगवान की शरण में जब आएंगे तो भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? देखिए हमारे संस्था के संरक्षक श्री सरपंच साहब पधारे, एक बार तालियों से सरपंच साहब का स्वागत। श्रीमद् भागवत जो है इसको ग्रंथ कहा गया है, भागवत पुराण भी है, भागवत ग्रंथ भी है और भागवत संहिता भी है। संहिता कहते हैं वेद के भाग को, ये परमहंस संहिता कही गई है, इसका मतलब ये वेद का ही अंग है, वेद से निश्रित है तो वेद का ही अंग है, इसलिए इसको संहिता भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत को ग्रंथ भी कहा गया है। और ग्रंथ किसे कहते हैं? हमारे हृदय में पड़ी हुई ग्रंथियों को जो खोल दे वो ग्रंथ। ग्रंथ ग्रंथरी है क्वचित क्वचित पिन्यासी प्रयत्नान सामयः सा ग्रंथा, हमारे अंदर पड़ी हुई गठानों को जो खोल दे वो ग्रंथ है।
कौन सी घटाने अंदर पड़ी हुई हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये तमाम घटाने अंदर पड़ी हुई हैं। जब तक ये घटाने नहीं मिट जाएंगी तब तक हमारा भव रोग समाप्त नहीं होगा। तो भागवत ग्रंथ है और इन ग्रंथियों को वो खोल देगा। भागवत पुराण है और पुराण का अर्थ क्या है? जो हृदय को आनंद से परिपूरित कर दे उसको पुराण कहते हैं। पुरापी नवम भी पुराण कहा गया है, जो पुराना होते हुए भी नित्य नवीन है वो पुराण है। है तो बहुत पुराना लेकिन नया है। कैसे? आप लोग विचार करें, बरसों बरसों से इन कथाओं को आप सुन रहे हैं लेकिन हर बार लगता है कि कुछ नया मिल रहा है कथा में, कुछ नई कथा सुन रहे हैं हम लोग। ऐसा एक नई अनुभूति, नया आनंद होता है। आप कोई पिक्चर देखने जाएं, नई नई फिल्म लगी हो, एक बार देख लेंगे बहुत होगा तो दो बार देख लेंगे फिर मन नहीं होगा, अरे वो देखी तो है वही। जिस दिन फिल्म जो है लगती है थिएटर में आती है तो उस दिन तो फुल जाता है हाउस, लेकिन धीरे 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 संख्या कम होती चली जाती है। और इसमें फिल्म में उल्टा होता है, शुरुआत में तो लोग कम रहते हैं लेकिन धीरे धीरे जैसे सत्र बढ़ता जाता है तो लोग बढ़ते चले जाते हैं। यही इसकी शाश्वतता है, यही इसकी सिद्धि है। वो नाश्वर है, ये शाश्वत है, इसमें लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो पुराना भी है और नित्य नया भी है। अच्छा, गंगा जी को आप पुराना पुरानी कहेंगे कि नई कहेंगे? हजारों हजार वर्ष पहले भगीरथ लेकर आए थे इसलिए बहुत पुरानी भी है, लेकिन प्रति क्षण प्रति पल नया जला रहा है इसलिए नित्य नवीन भी है। वैसे ही पुराण है, पुराना भी है लेकिन नित्य नवीन है, नित्य नया है। पुराणानि अंतःकरणानि जीव हृदयानि अनति उज्जीवयति इति पुराणम्। जो जीव को श्रवण करने वाले के हृदय को परिपूरित कर दे उसको पुराण कहते हैं। हम लोग इस भागवत पुराण के, इस भागवत संहिता के आश्रय में बैठे हैं, निश्चित हृदय की ग्रंथियां खुल जाएंगी और हृदय आनंद से परिपूरित हो जाएगा। लेकिन किसका? जो पूर्ण भाव से पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर के उसके रस का आनंद लेगा। बड़ा प्यारा मंगलाचरण श्री व्यास जी ने किया है श्रीमद् भागवत का आरंभ करते हुए। जनमाद्यस्य तो अनव्यादितरतस्य चारते स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारि मृदा यत्र तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कोपं सत्यं परं धीमहि सत्यं परा धीमहि। बड़ा सार्वभौम मंगलाचरण वेद व्यास जी ने यहां पर किया है, ब्रह्म सूत्र को यहां पर लाए हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतः। तो जन्माद्यस्यतः से आरंभ करके ब्रह्म सूत्र को यहां प्रारंभ में रखा है। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जो हमारे जन्म का हेतु है, हमारे जीवन का कारण है और हमारी मृत्यु का भी वही कारण बनता है, उस परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं। जन्माद्यस्य, हमारा जन्म जो हुआ अपने कर्मों के कारण नहीं। हम मनुष्य शरीर में आए तो अपने पुण्यों के प्रभाव से नहीं आए। कैसे आए? दे तो कृपा बिनु हेतु सने, दे तो कृपा बिनु
करुणामय प्रभु ने करुणा करके कृपा करके हमें ये जीवन दिया है। जन्माद्यश्च जीवन भी उसकी कृपा से चलता है साहब, और मृत्यु भी आएगी तो उसकी इच्छा से आएगी। हमारी इच्छा की बस हमारे अधीन नहीं है। यदि हमारे बस में ही होता तो हम अच्छे माता पिता चुन लेते। कोई किसी गरीब के घर में पैदा ही क्यों होता? हर व्यक्ति चाहता कि किसी बड़े अमीर घराने में जाकर के मैं पैदा हो जाऊं। हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, परमात्मा जब भी आता है तो निज इच्छा निर्मित तने हो, वो अपनी इच्छा से प्रकट होता है। किसके मुझे किसको माता पिता बनाना है, मुझे कौन से वर्ण में जाना है, कहां किस रूप में जाना है, सब निश्चित करते हैं। हम अपना निश्चित नहीं कर सकते। हमें तो ठाकुर जी जहां भेजते हैं, तो ठाकुर जी ने हमें जहां भेजा है ये मान लो कि हमारे लिए वो जगह निश्चित ही उपयुक्त होगी, तभी तो वहां भेजा है। अब उसी वातावरण में रहकर के हम भजन करें और इस बात का उलाहना ना दें, इस बात की शिकायत ना करें कि हमें भजन करने के लिए अनुकूल समय नहीं मिल रहा है। लोगों को प्रायः ये शिकायत होती है कि भजन के लिए अनुकूल समय नहीं मिल रहा, क्या करें, हमें समय ही नहीं है। अब विचार कीजिए, प्रहलाद जी महाराज छोटे से बच्चे थे और असुरों के बीच में रहकर भजन कर रहे हैं, यहां तक कि पिताजी भी उसके सख्त विरोधी हैं, मारने के लिए प्रयत्न करने लगे कि यदि ये भजन नहीं छोड़ेगा तो इसको सूली पर चढ़ा दो, मार डालो। लेकिन प्रहलाद जी ने भजन किया कि नहीं? विभीषण जी ने लंका में रहकर भजन किया कि नहीं? कितने कितने ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भारी से विषम परिस्थितियों में बड़ी कठिनाइयों में रहकर भी भजन कर लिया। तो हम लोग अनुकूलताएं खोजते हैं, बस ये हो जाए पर भजन करेंगे, ये हो जाए पर भजन करेंगे। अच्छा, ये संसार के थपेड़े तो चलते रहेंगे साहब। पहले कहते थे कि बढ़िया पढ़ लिख जाए, थोड़ा नौकरी धंधा लग जाए, फिर अपना कमाएंगे खाएंगे और भजन करेंगे। पर सोचा कि अब ये छोटे छोटे बच्चे हो गए, इनको थोड़ा ठीक ठाक स्थान पर लगा दें पर भजन करेंगे। और उसके बाद कुछ और, आप सब जानते हैं संसार को। एक आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा था तो बड़ी देर हो गई, किसी दूसरे ने देखा कि घंटों बीत गए, क्यों यहां से वहां घूम रहे हो, क्या हुआ, कुछ खो गया क्या? बोले नहीं, मुझे नहाना है। बोले नहाना है, इतना बड़ा समुद्र सामने है, पर इतनी देर किस बात की? बोले क्या है, समुद्र में लहरें बहुत उठ रही हैं, ये लहरें थम जाएं तो मैं गोता लगाऊं तब नहाऊं। तो वो व्यक्ति बोला कि अरे भले आदमी, समुद्र की मौजें कब रुकने वाली हैं, समुद्र में तो लहरें उठती रहेंगी, यदि तुझे नहाना है तो गोता लगा और निकल ले। संसार में तो विषमताओं की लहरें आती रहेंगी, कभी कोई विषमता आएगी, कभी कोई परिस्थिति आएगी, लेकिन भजन करना है तो बस कूद पड़ो और गोता मार दो भक्ति के सरोवर में। जन्माद्यस्य तो यनव्यादितरतश्चारते से विज्ञा स्वराट। जो परमात्मा स्वराट है, जिसने दूसरे से ज्ञान नहीं लिया, जिसने दूसरे से प्रकाश उधार नहीं लेना पड़ता, बल्कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को भी जो वेद का देने वाला है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, ब्रह्मा आदि जो आदि कवि हैं उनको अपने संकल्प से वेद को प्रदान करने वाले। ब्रह्मा जी को वेद किसने दिए? भगवान नारायण ने। और ऐसे नहीं कि बैठ के गणानंदा पढ़ाया हो, संकल्प से भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद प्रदान कर दिए, संकल्प से। अच्छा, वेदों को पहले जो है लिपिबद्ध नहीं किया जाता था, कोई भी ग्रंथ का निर्माण होता था तो लिखते नहीं थे, बल्कि उसका हृदय में प्रकाश होता था और वो दूसरे अपने शिष्यों को सुनाते थे, पर शिष्य शिष्यों को, ऐसे शिष्य प्रति शिष्य उसकी प्रक्रिया चलती थी। श्रुति नाम ही वेद का इसीलिए हो गया, क्योंकि वो श्रवण करके ब्रह्मा जी ने धारण किया, भगवान के द्वारा श्रवण करके उसको धारण कर लिया और उसका नाम श्रुति हो गया। तो ब्रह्मा जी को अपने संकल्प से ज्ञान करा दिया। ज्ञान कब होगा? जब अखंड ज्ञान वर अखंड ज्ञान स्वरूप परमात्मा की दृष्टि हमारे हृदय पटल पर पड़ेगी।
वो जब संकल्प करेगा कि हमें ज्ञान हो जाए तो जहां चाहेगा वहां ज्ञान करवा देगा, और वरना पढ़ पढ़ के मर जाएंगे, ज्ञान नहीं होगा। अब विचार कीजिए, कबीरदास जी कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गए होंगे? तुकाराम जी, मलूकदास जी, कुंभन दास जी, कितनी सुंदर सुंदर वाणियां इन्होंने लिखी हैं। सूरदास जी के पदों को आप पढ़िए तो क्या अद्भुत उसमें साहित्य रचना है, क्या दिव्य भाव प्रकट किए। एक बड़े भारी विद्वान थे जिनका नाम था पद्मनाभ। पद्मनाभ जी को सरस्वती की सिद्धि थी, बहुत ज्ञानी। तो जहां भी शास्त्रार्थ करने के लिए जाते तो बड़े से बड़े विद्वान उनसे जो है परास्त हो जाते, और जिस विद्वान को परास्त करते उसके शास्त्रों को छीन लेते और अपने साथ रख लेते। तो गाड़ियों में पीछे, कई गाड़ियों में ग्रंथ भर करके उनके पीछे चलते थे, जो छीन लिए ग्रंथ वो गाड़ियों में रखे हैं, साथ चल रहे हैं। लोग जो विद्वान थे वो डर जाते थे कि पद्मनाभ आ रहे हैं, पता नहीं हमारा अब क्या होगा। तो वो दिग्विजय पर निकले, विद्वत्ता की दिग्विजय, और वाराणसी की ओर चले। काशी के विद्वानों में हड़कंप मच गया कि भैया पद्मनाभ जी आ रहे हैं, बड़े विद्वान हैं, अब काशी की नाक कौन बचाएगा, किसको शास्त्रार्थ कराया जाए। तो भगवान काशी विश्वनाथ की शरण में सब विद्वान गए। हे विश्वनाथ जी, आज काशी की नाक आपके हाथ में है, काशी की लाज चली जाएगी, क्योंकि काशी तो विद्वानों की नगरी कही जाती है, पर आज पद्मनाभ से हम लोग सामना नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव की प्रेरणा हुई कि जब पद्मनाभ आवे तो कबीरदास जी का सत्संग करा देना, कबीरदास जी से शास्त्रार्थ कराना। तो विद्वानों ने सोचा कि कबीर ने तो शास्त्र ही नहीं पढ़े तो अर्थ क्या करेंगे, लेकिन विश्वनाथ जी की आज्ञा है तो चलो कबीर जी से प्रार्थना की। पद्मनाभ नाम के एक विद्वान ब्राह्मण आ रहे हैं, दिग्विजय पर निकले हैं, आपको शास्त्रार्थ करना है। कबीर जी बोले, शास्त्रार्थ वो करे जिसको शास्त्र का अर्थ पता हो, मुझे तो शास्त्र का ही पता नहीं, पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। विद्वानों ने कहा नहीं, वो भगवान विश्वनाथ जी की इच्छा है। अब कबीर जी ने कहा, विश्वनाथ जी की इच्छा है तो ठीक है, आने दो। पद्मनाभ जी को कबीर जी के सामने ले गए, सामने बैठ गए। अब पद्मनाभ को लगा कि मैं पहले क्यों पूछूं, क्योंकि पहले कोई प्रश्न वो पूछे जो छोटा हो, कम जानता हो। तो कबीरदास जी से कहा कि पूछो क्या पूछना है। कबीरदास जी बोले, मेरे अंदर कोई संशय ही नहीं है तो समाधान की कोई बात ही नहीं, क्या पूछना है मुझे, तो कुछ नहीं, तुम पूछो, तुम आए हो। पद्मनाभ बोला, नहीं नहीं, आपको पूछना पड़ेगा। कबीर दास जी बोले, मैं नहीं पूछूंगा, तुम शास्त्रार्थ के लिए आए हो तो तुम पूछो। पद्मनाभ को लगा, बात तो ठीक है, आया तो मैं हूं तो पूछना मुझे ही चाहिए, लेकिन फिर भी अभिमान इतना, नहीं पूछा। तो कबीर दास जी ने कहा कि चलो मैं ही छोटा बन जाता। अच्छा ये बताओ तुम, कि तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा, शास्त्रार्थ क्या किया कबीर जी ने? बोले, तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। अब वो विद्वान चक्कर में पड़ गया, ये कौन सी बात है, ये क्या कहना चाहते हैं, वो तो विद्वान था। यदि मैंने पढ़ के समझा होता तो पढ़ने का मतलब तो ये है कि सारे शास्त्र यही कहते हैं कि भजन में लग जाओ, तो यदि मैंने पढ़ के समझा होता तब भी मैं भजन में लग गया होता, और मैंने समझ के पढ़ा होता तब भी भजन में लग गया होता, इस प्रपंच में नहीं पढ़ा होता। अपनी हार स्वीकार कर ले, इतनी बात में मैं परास्त हो गया, मैं समझ गया आपके इशारे को। पद्मनाभ जी वहां से बगैर उत्तर दिए उठकर चले गए, हार स्वीकार करके, और गंगा जी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे सायंकाल की संध्या कर रहे थे। तो पीपल के पेड़ पर शाखाओं पर कुछ प्रेत बैठे हुए थे, वो विश्वनाथ जी की कुछ इच्छा थी, उन्होंने लीला दिखाई। तो जो वो प्रेत बैठे हुए थे वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, बोले इस डाली पर मत बैठो, ये मेरी है, वो मेरी है, एक खाली थी, बोले ये तो खाली है, बोले नहीं नहीं खाली नहीं है, ये पद्मनाभ के लिए है, पद्मनाभ के लिए, बोले हाँ। अब वो पद्मनाभ सब बातें सुन रहे हैं, वो बोले इतना बड़ा विद्वान जो है, क्या वो प्रेत बनेगा? बोले वो ब्रह्म राक्षस बनेगा, क्योंकि उसने जाने कितने ब्राह्मणों को अपमानित किया है, कितने ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया है, इसलिए वो ब्रह्म राक्षस बनेगा, और वो अगर इस डाली पर बैठेगा ये उसके लिए आरक्षित है।
पद्मनाभ घबरा गया, कांपने लगा, भैया संध्या उन्ध्या सब भूल गया कि मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। एक प्रेत ने दूसरे से पूछा कि अच्छा इसका कोई बचने का उपाय नहीं है? बोले एक ही उपाय है कि ये ब्राह्मण जाकर के यदि कबीर जी से दीक्षा ले ले तो बच सकता है। वो वहां से भागा और कबीर जी की शरण में आया, बाबा मुझे दीक्षा दे दो, अपना शिष्य बना लो। कबीर दास जी बोले कि मैं तुझे दीक्षा दे दूं? अरे तू इतना बड़ा विद्वान और भैया मैं तो सामान्य, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, कलम कही नहीं, हाथ हाथ में कलम नहीं ली, मैं कुछ जानता नहीं हूं। बोले नहीं बाबा, मैं समझ गया कि मेरा कल्याण आपके चरणों में ही रखे हो सकता है। कबीर दास जी ने फिर राम नाम का मंत्र दिया और उसको जप करके वो पद्मनाभ परम गति को पाए बाद में। तो कितना किसने पढ़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसने कितना समझा है ये महत्वपूर्ण है, और समझने के बाद भजन में कौन लग पाया ये महत्वपूर्ण है। भैया बहुत ज्यादा विद्वान होने की आवश्यकता है। भगवान जिस पर कृपा करें उसको ज्ञान हो जाता है। मूकम करो तो वाचालम। ध्रुव जी महाराज छोटे से थे और जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो मन में इच्छा हुई कि अब कुछ स्तुति करता, लेकिन कुछ आता ही नहीं, क्या स्तुति करूं? न कोई मंत्र आता है, न कोई पूजा की विधि आती है, न कोई स्तुति आती है। भगवान समझ गए ध्रुव जी के मन की भावना को, अपना शंख लिया, ध्रुव के कपोल पर लगाया और ध्रुव जी को वेदवाणी प्रकट हो गई। ध्रुव जी ने बड़ी अद्भुत स्तुति की है। मुह्यन्ति यत सूरया, ब्रह्मा आदि को ज्ञान तो देता ही है लेकिन उसके विषय में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूरया, बड़े बड़े विद्वान उस पर मोहित हो जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। क्यों? कि ब्रह्म तर्क बुद्धिमान वाने, ब्रह्म वो वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती है, मन उसका अनुभव नहीं कर सकता है। उसका अनुभव यदि किया जा सकता है तो केवल और केवल प्रेम से किया जा सकता है। मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वार्य मृदाम यतः विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्तु कोहकम सत्यम परम धीमहि। तेजो वारि मृदाम यतः विनिमयो, जिसकी माया से ये असत संसार भी सत प्रतीत होता है। संसार सत्य नहीं है, संसार असत है, लेकिन उस परमात्मा की सत्ता के कारण ही ये असत संसार भी सतबत प्रतीत होता है, सच्चा लगता है। क्यों? अच्छा कैसे सच्चा लगता है? जो विद्वानों ने उसकी उपमा दी है, तेजो वार इब्राम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। बोले अब गर्मियों के समय में आप जाते हैं, कोई वाहन चला रहे हैं तो गर्मियों में सड़क पर कभी कभी ऐसा लगता है आगे पानी है, पानी होता नहीं है लेकिन ऐसा आभास होता है आगे पानी है। बालुका में भी कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहां पानी है, पानी नहीं होता, वो सूर्य की किरणें जो पड़ती है उससे ऐसा भ्रम होता है कि पानी है लेकिन पानी होता नहीं है। उसी प्रकार ये असत संसार सत प्रतीत होता है। किसी बड़े राजाधिराज ने नकली हार भी पहन रखा हो तो लोग उसको असली ही समझेंगे, भैया इतने बड़े आदमी पहन रहे हैं तो नकली थोड़ी होगा, असली होगा। आजकल माताएं जो हैं आभूषण जो पहनती हैं तो कई बार आजकल वो कौन से चलते हैं वो भी पहनने लगे हैं, क्योंकि जगह जगह चैन खिंच जाते हैं ना, तो नकली भी पहन लेते हैं। लेकिन अब कोई बड़े घराने के हो तो लोग सोचते हैं भैया नकली थोड़ी होगी, असली होगी। और किसी बेचारे गरीब को असली मोतियों का हार भी मिल जाए तो लोग सोचेंगे अरे नकली होगा।
असली कहां से आएगा इसके पास? तो इस संसार को परमात्मा ने धारण कर रखा है और परमात्मा के धारण करने के कारण ये असत होते हुए भी, मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा ने इसको धारण कर रखा है। धामना स्वेन सदा निरस्तु कोहकम् सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। हम उन सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, किसी देवता का नाम नहीं लिया, सत्यम परम धीमहि। अब सत्य में सब कुछ है और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सत्य से अलग कोई नहीं है। किसी देव का नाम नहीं लिया है, सार्वभौमता पूर्वक सत्यम परम धीमहि कह दिया। और उसके बाद दूसरे श्लोक में देखो, यहां तीन श्लोक क्रमशः हैं, ये जन्माद्यस्य, इसके बाद धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो ये श्लोक, और निगम कल्प तरोरि गलितम फलम, ये तीन श्लोक। इन तीनों में क्रमशः क्या बतलाया है? पहले में बतलाया है कि देह कौन है, दूसरे में बतलाया है के कौन है, और तीसरे में बतलाया है पे क्या है। पहले में हमने समझा कि के क्या है, जानने योग्य क्या है, जानने योग्य परमात्मा है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम जाने। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निरमत्सराणां सतां श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्मा परैरीश्वर सद्यो रद्यवरुद्यते कृतवी शुश्रुषुभिस्तत्क्षणा। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो। इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया गया है। अनुबंध चतुष्टय क्या है? देखो, इस बार आप लोग कई बार भागवत सुन चुके हैं, इस बार हमारा प्रयास है कि कुछ अलग अलग विषयों पर प्रकाश डाला जाए। हर बार जो कथाएं सुनते हैं वो तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। अनुबंध चतुष्टय क्या है? पहली चीज है कि विषय क्या है, दूसरा है अधिकारी कौन है, तीसरा है कि इससे प्रयोजन क्या है, और चौथा है कि संबंध किससे है। इसको बोलते अनुबंध चतुष्टय। विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी कौन है, और संबंध किससे। तो इस भागवत जिसको हम लोग सुनने जा रहे हैं, इस भागवत का विषय क्या है? इस भागवत का विषय है परम धर्म। परम धर्म की प्राप्ति इस भागवत का विषय है। परम धर्म क्या है? अब परम धर्म को समझने के लिए पहले हमें धर्म को समझना होगा कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। धारयति इति धर्मा, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है, अथवा जो सबको धारण कर रहा है वो धर्म है। हम सबको जो धारण करता है, महाभारत में धर्म की व्याख्या करते हुए वेदव्यास जी ने महाभारत कार ने लिखा है, धर्मात् धर्म निमित्ताहोर धर्मो धार्यते प्रजा यत्यस्या धार्य संयुक्तम सधर्मे इति निश्चया। धारण करने वाले का जो कल्याण करे, धारण करने वाले का जो लालन पालन एक तरह से करे, उसको धर्म कहते हैं। धर्म हम सबका सहज प्रक्रिया, धर्म हम सबके जीवन में प्रतिष्ठित होना ही चाहिए। अभ्योदयम निश्रियम सिद्धि ही सा धर्मा, जिसके आचरण से हमारे जीवन का अभ्युदय होता है। जीवन का अभ्युदय कैसे होगा? बोले धर्म आचरण से होगा। धर्म का आचरण करेंगे तो जीवन का अभ्युदय होगा। 84 लाख योनियां है, उनमें मनुष्य की विशेषता क्यों है? आहार, भय, मैथुन और निद्रा, ये चारों समस्त योनियों में कहीं भी चले जाओ एक समान है।
लेकिन यदि मानव योनि में उसकी विशेषता कुछ है तो वो क्या है? आहार निद्रा भय में तुनंचा समान्य वेतत पशुहिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशुहि समान। मनुष्य में यदि कोई विशेषता है तो वो है धर्म, और धर्मे नहीना पशु ही समाना, जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका जीवन पशुवत है। खूब मेहनत करके धन कमाना और उससे अपने परिवार का पोषण करना, ये धर्म है। हमारे जो बच्चे हैं उनको ठीक से शिक्षा देना, उनको अच्छे संस्कार देना और अच्छी जगह पर लगा देना, ये धर्म है। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि मंदिर में जाओ तो वो धर्म है, केवल मंदिर में पूजा करो धर्म है। मंदिर से तो धर्म की शुरुआत होती है, मंदिर की पूजा धर्म नहीं। मंदिर की पूजा से तो धर्म की शुरुआत होती है, हमारे प्रत्येक आचरण में धर्म होना चाहिए। लोग सवेरे जाएंगे मंदिर में पूजा करेंगे और दिन भर पर झूठ बोलेंगे, लोगों के साथ छल करेंगे, कपट करेंगे, कुछ भी करें, ऐसा नहीं। धर्म हमारी प्रत्येक क्रिया में प्रतिष्ठित होना चाहिए। धर्म क्या है? बोले संसार में आकर के हम अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करें, वो धर्म है। लेकिन एक परम धर्म है, और परम धर्म क्या है? परम धर्म है परमात्मा का ध्यान करना, उन प्रभु का स्मरण करना जिन्होंने हमें इस संसार में भेजा है, उन परमात्मा का चिंतन करना परम धर्म है। देखो, धर्म के आचरण से हमें उत्तम लोगों की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन परलोक की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति तो परम धर्म के आश्रय से ही होगी। परम धर्म के आश्रय से ही उस परमात्मा की प्राप्ति संभव है। हम चाहे कि अपने कर्तव्य का, कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजन वूजन में ज्यादा विश्वास नहीं, हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं। बहुत अच्छी बात है, कर्म अच्छे से करना चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन कितना भी निष्ठापूर्वक आप अपना कर्म कीजिए, इससे जन्म मरण का चक्कर छूटने वाला नहीं है। जन्म मरण का चक्कर तो तभी छूटेगा जब हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे, तभी जन्म मरण का चक्कर छूटेगा। राम जी का जो धर्म है, राम जी तो विग्रहवान धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, लेकिन राम जी के धर्म से बड़ा धर्म है लक्ष्मण जी का। बहुत सावधानी से समझिएगा। आप लोग कहेंगे कि आप राम जी के धर्म से लक्ष्मण जी के को बड़ा बतला रहे हैं, लक्ष्मण जी तो छोटे हैं। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बड़े प्रसिद्ध टीकाकार हुए हैं, बड़े प्राचीन गोविंद राय जी, उन्होंने ये भाव दिया है। बोले राम जी का जो धर्म है वो सामान्य धर्म है, और लक्ष्मण जी का जो धर्म है वो विशेष धर्म है। राम जी से पिताजी ने कहा कि माता जी ने वरदान मांग लिया पिताजी से कि वन में जाना है, तो माता पिता की आज्ञा समझ करके वन में जाने लगे। लेकिन लक्ष्मण जी जब सुने कि मेरे प्रभु श्री राम वन में जा रहे हैं, तो दौड़ते हुए राम जी के शरण में आ गए, प्रभु मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम्हें घर पे रहना होगा, क्योंकि यहां पिताजी अस्वस्थ हैं, भरत घर में नहीं है, माताओं की स्थिति भी इस समय ठीक नहीं है, तुम्हें घर में रहकर के प्रजा का पालन करना होगा, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा करनी होगी। लक्ष्मण जी कहने लगे, देखो लक्ष्मण जी का क्या धर्म है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु मैं आपको छोड़कर किसी को मैं नहीं जानता। कि गुरु पी तुम्हारा जाना होगा, गुरु पे I'm not afraid.
गुरु की तुम तो ना जानो काओ। मैं ना गुरु जी को जानता हूँ, ना पिताजी को जानता हूँ, ना माताजी को, मैं किसी को नहीं जानता। तो राम जी ने कहा कि गुरु पिता माता को नहीं मानते क्या? बोले मानता हूँ। तो फिर इनकी सेवा में क्यों नहीं लग रहे हो? ये तुम्हारा धर्म है। लक्ष्मण जी कहते हैं धर्म चाहे मेरा छूट जाए, मुझे परवाह नहीं है, मेरे तो गुरु माता पिता सब आप ही हैं, मैं सब कुछ आपको ही मानता हूँ। इसलिए राम जी से बड़ा धर्म लक्ष्मण जी का है। उन्होंने सारे धर्म छोड़ करके और ठाकुर जी की सेवा में लग गए। भगवान ने गीता जी में यही तो कहा है, सर्व धर्मानु प्रत्यज्यो पादमेकम शरणम व्रज, सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। लक्ष्मण जी के धर्म से भी श्रेष्ठ धर्म है भरत जी महाराज का। राम जी का सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म और भरत जी का विशेषतम धर्म। भरत जी का धर्म क्या है? जिस समय महाराज भरत जी महाराज अपने ननिहाल से लौटे और उन्होंने देखा कि मेरे राम लक्ष्मण मेरी माँ जानकी वन में चली गई हैं, तो बिलक बिलक करके रोने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत अब तुम्हें राजा बन जाना चाहिए। भरत जी कहने लगे, गुरुदेव आप ये क्या आज्ञा दे रहे हैं, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? मेरे प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे हैं और मैं राजा बन जाऊं, कैसे संभव है? तो क्या चाहते हो? देखे बिन रघुनाथ के जिए की जरन न जाए, मैं रघुनाथ जी को देखना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, समाज तैयार हुआ और चित्रकूट के लिए गए। चित्रकूट जी, चित्रकूट जब भरत जी गए, देखो भरत जी अयोध्या के सिंहासन पर तो नहीं बैठे, लेकिन हजारों महात्मा जो दंडक बन में थे, चित्रकूट के महात्मा थे, उन चित्रकूट के महात्माओं के हृदय सिंहासन पर भरत जी बैठ गए। उन्होंने देखा कि कितने बड़े साधु हैं भरत। माताओं के हृदय सिंहासन पर बैठ गए, प्रजा के हृदय सिंहासन पर बैठ गए, और इतना ही नहीं, कोल भील क्रात जो बन के हैं, उन्होंने भी जब भरत जी के प्रेम को देखा तो वो भी भरत जी की सब विधि सराहना करने लगे। उनके भी हृदय सम्राट भरत जी बन बैठे। और भरत जी जब राम जी के पास पहुंचे, सभा लगी, राम जी ने कहा कि भरत अंतिम निर्णय में तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम क्या चाहते हो? जो कहो, तुम कहो तो मैं लौट चलूंगा। अंतिम निर्णय जब भरत जी पर छोड़ दिया तो भरत जी विचार करने लगे कि वो सेवक उत्तम सेवक कभी नहीं हो सकता जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। भरत जी कह रहे हैं, जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, मन जिस प्रकार प्रसन्न हो आप वही कीजिए। हमारे जो गोपियां हैं, गोपियों का जो धर्म है उसके आचार्य भरत जी ही हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर के मथुरा चले गए तो गोपियां व्याकुल होकर उनके ब्रह में रोती रही, दिन रात अश्रु बहाती रही। लेकिन आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई गोपी भगवान से मिलने, कृष्ण से मिलने मथुरा गई हो। कोई गई? मथुरा जो है वृंदावन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है,
और उस समय तो वो गोपियां उतनी दूर तक कई बार माखन बेचने जाया करती थी, लेकिन जब कृष्ण मथुरा चले गए तो कोई गोपी मिलने नहीं गई। क्यों? तत सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम, ये प्रेम का लक्षण है। हमारा प्रेमास्पद जिसमें प्रसन्न है हम उसी में प्रसन्न है। यदि वो हमसे दूर रह करके प्रसन्न है तो हम उसके प्रेम में जलती रहेंगी पर कभी नहीं जाएंगे, उसको संकोच में नहीं डालेंगी। भरत जी का भी यही विचार है कि मेरे कारण मेरे प्रभु रघुनाथ जी को संकोच पढ़ना पड़े, इसलिए भरत जी कहते प्रभु आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। और राम जी ने पादुका दे दी तो भरत जी ने ऐसा आग्रह नहीं किया कि नहीं आपको लौटना ही पड़ेगा। देवता भयभीत हो गए थे कि भरत जी की बात अब तो राम जी मान ही जाएंगे, लौट ही जाएंगे। लेकिन भरत जी इतने बड़े सात भरत तुम सब विधि साधु राम जी को लेकर नहीं गए। तो लक्ष्मण जी से उनका धर्म बड़ा कैसे है? बोले लक्ष्मण जी के धर्म में आग्रह है, नहीं मैं तो साथ चलूंगा ही। लेकिन भरत जी के धर्म में आग्रह का भी त्याग हो गया है, वो आग्रह भी नहीं है, प्रभु राजी तेरी रजा में। इसलिए भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी से बड़ा। और शत्रुघ्न जी जो है उनका धर्म भरत जी से भी बड़ा है। भरत जी तो लौटने के बाद पादुकाओं को सिंहासन पर बिठा करके नंदीग्राम में जाकर बैठ गए, गड्ढा खोदकर भरत जी बैठ गए। लेकिन शत्रुघ्न जी को लगता है कि राम जी बन में है, लक्ष्मण जी बन में है, भरत जी नंदीग्राम में बैठे हैं, और मैं यदि अयोध्या का साज सवाल नहीं करूंगा तो अयोध्या का क्या होगा? अयोध्या के नर नारी व्याकुल हो रहे हैं, मैंने नहीं संभालूंगा तो अयोध्या कैसे सब लेगी? तो भरत शत्रुघ्न जी महाराज सबको समझाते हैं, सबको ढाढ़स बंधाते हैं, माता कौशल्या के भवन में जाते हैं और देखा कि जब से राम जी गए हैं मां ने एक निवाला भी ग्रहण नहीं किया। शत्रुघ्न जी कहते मां बहुत भूख लगी है, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, अब ऐसी कौन माँ होगी कि बेटा कहे भूख लगी और कुछ खाने को ना दे। तो कौशल्या मैया ने थाल लगा दिया और कहा कौशल्या ने कि शत्रुघ्न बेटा भोजन करो। शत्रुघ्न जी कहने लगे माँ ऐसे नहीं करूंगा, पहले आप करो। कौशल्या कहने लगी नहीं नहीं शत्रुघ्न मेरा मन नहीं है। बोले माँ यदि तुम नहीं खाओगी तो कोई बात नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ। तो अपने बेटे को भूखा देखना चाहते हो, ठीक है। अब शत्रुघ्न को प्रसन्न करने के लिए कौशल्या ने खा लिया। और शत्रुघ्न जी तो कौशल्या माँ को कुछ खिलाना है चाहते थे, और जिस भाव से कौशल्या जी को भोजन करा रहे हैं उसी भाव से सुमित्रा जी को करा रहे हैं, और उसी भाव से कैकेयी को भी भोजन कराया। अरे हमने तो आचार्यों से यहां तक सुना है कि जिस मंत्रा के कारण वनवास हुआ उस मंत्रा को भी शत्रुघ्न जी जाकर भोजन कराते हैं कि तू भी भूखी मत रहना, राम जी का राज्य है ये। पादुकाओं का राज्य मतलब राम का राज्य, क्योंकि राम जी की पादुका विराजमान है, और राम के राज्य में कोई दुखी रहा तो हमारे राम जी कलंकित होंगे कि देखो इनके राज्य में कोई दुखी रहा। इसलिए एक एक के घर में जाकर के कुशल पूछते हैं, गायों के पास जाते हैं और गायों को देखते हैं कृशकाय हो गई, घास खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया। गायों को प्रार्थना करते हैं अरे गौ माताओं आप हरी हरी घास खूब खाओ, जब राम जी लौट कर आएंगे और तुमने घास नहीं खाया और तुम दुबली हो जाओगी और तुम्हें ऐसी अवस्था में राम जी देखेंगे तो धड़ाम से क्या दुख में नहीं गिर पड़ेंगे? तुम कृशकाय रहोगी और तुम्हारी वो दुर्दशा देख करके राम जी कितने दुखी होंगे। एक तो वो 14 वर्ष वनवास का दुख भोग करके आए और तुम्हारी ये हालत देख करके वो और दुखी हो जाए, तुम चाहती हो? और जब राम जी का राज्य अभिषेक होगा तो गाय के दुग्ध की आवश्यकता होगी, और तुम जब घास नहीं खाओगी अभी से तो तुम्हारे स्तनों में दुग्ध नहीं होगा,
और जब दुग्ध अभिषेक की आवश्यकता होगी तो वो दुग्ध जो है जो सौभाग्य अयोध्या की गायों को मिलना चाहिए वो सौभाग्य मिल जाएगा। कामधेनु को स्वर्ग की गाय को उसका दूध मंगाया जाएगा। इसलिए तुम खूब घास खाओ, खूब पानी पियो, खूब दाना खाओ, ताकि जब राम जी आए तो राम जी के आगमन पर तुम्हारे स्तनों से स्वतः दूध बह पड़े और दूध की धारा बह करके सरयू जी को दूध के धारा में मिला दे। गायों को समझाते हैं तो शत्रुघ्न जी का धर्म भरत जी से भी श्रेष्ठ है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि शत्रुघ्न जी जाकर महलों में बड़े आराम से सोते होंगे, लेकिन महलों में जब शत्रुघ्न जी जाते हैं बड़ी सुंदर सैया लगी हुई है, गाय के दूध के फेन को विलज्जित करने वाली श्वेत सैया लगी है, लेकिन शत्रुघ्न जी जमीन पर बिना कुछ डाले ऐसी ही जमीन पर लेट जाते, धड़ाम से गिर जाते हैं और रोते रोते रात्रि व्यतीत हो जाती है। श्री शत्रुघ्न जी महाराज एक अन्न का दाना भी नहीं खाते हैं। ये शत्रुघ्न जी का धर्म है। तो राम जी का धर्म है विशेष धर्म, राम जी का धर्म है सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष धर्म, भरत जी का धर्म है विशेषतम धर्म और शत्रुघ्न जी का धर्म है विशेषतर धर्म। उनका धर्म सबसे बड़ा है। धर्म का अर्थ, धर्म का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने पूजा पाठ कर लिया धर्म हो गया। भैया धर्म जो है हमारी प्रत्येक क्रिया में हो, हमारे जीवन में समर्पण हो, हमारे जीवन में जीव मात्र के प्रति प्रेम हो, सबके प्रति उदारता हो, वह धर्म है। तो श्रीमद् भागवत का अभिप्राय क्या है? श्रीमद् भागवत का अभिप्राय परम धर्म से है। वो परम धर्म का उपदेश करते हैं। धर्मा प्रोक्षित कै त्रिपुत्र परमो निर्मत्सरानाशता। इसका अधिकारी कौन है? बोले जो निर्मत्सर है। मत्सर किसे कहते हैं? ईर्ष्या को, जलन को। मुझसे छोटा है, मुझसे इतना आगे कैसे बढ़ गया, इतना आगे कैसे निकल गया। एक दूसरे के प्रति जो जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना, यही मत्सर है। और जब तक जीव के अंदर मत्सर रहेगा तब तक भगवान उस पर कृपा नहीं करेंगे। इसलिए इसका अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर, निर्मत्सर होने के लिए भगवान के नाम को गाइए, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमें तो अपने चरणों में लगा लीजिए। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ठाकुर जी के चरणों में थोड़ी प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए।
मन पापी पाप करो राही छोड़ दे Yeah.
धर्मः प्रोक्षित गायत्रीवोत्र परमो निर्मत्सरानां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयो निमूलनम्। कथा श्रवण से होगा क्या? परम धर्म का निरूपण करने वाली कथा को हम लोग सुन रहे हैं। विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण। अधिकारी कौन है? मत्सर रहित जो हो। और सुनने से होगा क्या? बोले तापत त्रयो निमूलनम्। तीन प्रकार के जो ताप हैं उनका उन्मूलन हो जाएगा। देखो, एक है लोक प्रापक धर्म, जिसमें हमें लोक का वैभव प्राप्त होता है। एक होता है स्वर्ग प्रापक धर्म, जिन धर्मों के अनुष्ठान से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक होता है मोक्ष प्रापक धर्म, जिन धर्मों के अनुष्ठान से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन भागवत जो है वो ऐसा है कि तीनों तापों से छुड़ा के गोविंद से मिलाने वाला है। ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। होए सुखी जो यही सर पराई। जो भगवान की कथा रूपी सरोवर में आकर के गोता लगाए, उनके तीनों ताप निर्मूल हो जाते, समाप्त हो जाए। तापत्रयो निर्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा सद्यो रद्य बरुद्रते कृतभी सुश्रुसुभी तत्क्षणा। और इससे जो है प्रयोजन क्या है? बोले इसका प्रयोजन ये है कि हरि जो है वो हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे सुनने वाले के। यहाँ व्यास जी ये नहीं लिख रहे कि कथा सुनने वाले के हृदय में आकर के हरि विराजमान हो जाएंगे। विराजमान होने में और अवरुद्ध होने में अंतर है। आप लोग यहाँ कथा में बैठे हैं तो बैठे हैं, अवरुद्ध नहीं है, जब मर्जी जा सकते हैं। लेकिन द्वार बंद कर दिए जाएं और कहें कि नहीं अब कथा के बाद ही खुलेंगे तो अवरुद्ध माने जाएंगे। अब किसी का फोन आ जाए बड़ा आवश्यक कार्य है आओ, तो कहेंगे भैया कथा में फंसे नहीं आ सकते, अवरुद्ध। तो भगवान हृदय में आकर विराजमान नहीं हो जाते, बल्कि भागवत का आश्रय लेने वाले के हृदय में हरि आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं, विराजमान बन जाते हैं। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरो रसिका भूमिभावुका। क्या है श्रीमद् भागवत? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद जो है वो वृक्ष है और भागवत उसका फल है। आप सब जानते हैं कि वृक्ष में वो स्वाद नहीं होता जो फल में होता है। वृक्ष का चाहे पत्ता तोड़कर खाइए, चाहे छाल निकाल कर खाइए, चाहे जड़ निकाल कर खाइए, चाहे तना तोड़कर खाइए, वो स्वाद नहीं मिलेगा जो फल में होता है, क्योंकि फल उस वृक्ष का सार होता है। उसी प्रकार वेदों में भी जो माधुर्य नहीं है वो माधुर्य, वो मधुरता इस भागवत में भरी हुई है। लेकिन एक और समझने की बात है कि ऐसा नहीं है कि भागवत को पढ़ लो और वेदों को छोड़ दो। इससे वेदों की कोई, वेदों को अलग नहीं किया गया है, वेदों का फल है। और ऐसा नहीं हम केवल फल ग्रहण कर लें उसको छोड़ दें, वेद को भी ग्रहण करना आवश्यक है। जब तक हम लोग वृक्ष को ना जाने कि ये किस चीज का वृक्ष है, उसका फल तोड़ के खा लोगे क्या? जब तक वृक्ष का पता नहीं होगा फल नहीं ग्रहण कर सकते। वृक्ष को जानेंगे तभी तो फल को जानेंगे, तो वेद को जानेंगे तभी भागवत को जानेंगे। भागवत भी तब ठीक से जानने में आता है जब वेद को कोई जाने। लेकिन यदि वेद नहीं भी जान पा रहे हैं तब भी कथा सत्संग में बैठ जाएं और ठाकुर जी की जितनी कथा समझ में आए उसका आनंद लेते जाएं, तो धीरे धीरे ठाकुर जी जैसे कबीर जी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दिया, एक दिन हमारे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश कर देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नेमिषे नैमिष क्षेत्रे ऋषये सोनकादया
सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममाशत। नेमी शारण्य की भूमि में ऋषियों ने एक ब्रह्म सत्र का आयोजन किया। उस सत्र में सत्संग होने लगा। सोनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी समाधान कर रहे हैं और ये ऋषियों ने यहाँ 6 प्रश्न रखे हैं। क्या क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र तो अनेक है पर उनका सार क्या है। तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर अजन्मा है पर वो जन्म क्यों लेता है, और यदि वो जन्म लेता है तो फिर उसको अजन्मा क्यों बोलते हैं। चौथा प्रश्न है कि यदि वो अवतार लेकर आता ही है, जन्मता ही है, तो उसके कितने अवतार हैं, कितने जन्म हुए, कितनी बार अवतार लेकर आया। पांचवा प्रश्न है कि इस जीव का लक्ष्य क्या है। और छठवा प्रश्न है कि श्री कृष्ण जब अपने इस धाम को छोड़कर परम धाम को चले जाते हैं तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। पहले तो श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी का वंदन किया और उसके बाद में ऋषियों के इन प्रश्नों का समाधान किया है। मुनयाः साधु प्रष्टोऽहं भवद्विरलोक मंगलम। अरे महात्माओं, आप लोगों ने ये जो प्रश्न किए हैं ये लोक मंगल की कामना से किए गए, बड़े उत्तम प्रश्न हैं। सुनो, तुम कह रहे हो कि जीव का कल्याण कैसे हो। जीव का कल्याण तो तभी संभव है जब वो मन वचन कर्म से ठाकुर जी की चरण शरण ग्रहण कर ले। जब तक ठाकुर जी की चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे कल्याण संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों का सार क्या है। बोले शास्त्रों का सार भी ठाकुर जी ही हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वेद जो है जो वर्णन करते हैं वो श्री ठाकुर जी का ही निरूपण करते हैं। सब शास्त्रों का सार घुमा फिरा कर कहीं से देख लो तो सब जाकर क्या निकलेगा, नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण, यही सबका सार है। इनको पकड़ लो काम बन जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि परमात्मा अजन्मा है पर जन्म क्यों लेते हैं, और यदि जन्म लेते हैं तो फिर उनका नाम अजन्मा क्यों है। कल हमने इस विषय में एक निवेदन किया था, वो अकबर वाला एक उदाहरण दिया था। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विविध रूपों में आकर के अवतरित हो जाते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। वैसे तो भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं। भगवान के अवतारों की गणना कोई नहीं कर सकता कि भगवान के अवतार कितने हैं। लेकिन भगवान के मुख्य अवतार जो शास्त्र सम्मत हैं वो 24 अवतार हैं। उन 24 अवतारों को ही श्रीमद् भागवत में क्रमशः उनके अवतारों का चरित्र कहा गया है। जीव का लक्ष्य क्या है? बोले इस जीव का लक्ष्य है श्री ठाकुर जी के चरण कमल। और धर्मम किम शरणम गता, बोले धर्म किसकी शरण में गया। बोले धर्म जो है वो श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। भागवत का आश्रय लो तो धर्म के सहज आश्रय प्राप्त हो जाएगा। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो वक्ति रदोक्षजे अहैतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसाम परो धर्मो, पर वही परम धर्म की बात श्री सूत जी महाराज यहां कह रहे हैं। परम धर्म क्या है? बोले यतो वक्ति रदोक्षजे। बहुत ध्यान से समझिएगा, अधोक्षज भगवान के चरणों में अनुराग हो जाना ही परम धर्म है। लेकिन कैसा भगवान के चरणों में प्रेम कैसा हो, दो विशेषताएं इस श्लोक में सूत जी ने दी हैं। अहितुक प्रतिहता, पहला तो ये विश्लेषण दिया है कि भगवान के चरणों में अहेतु की प्रेम हो, हेतु रहित, कामना रहित। ऐसा नहीं कि किसी इच्छा से, किसी कामना से भगवान से प्रेम। प्रेम तो बहुत लोग करते हैं। कब? जब किसी संकट में फंस जाए और पता चले कि लगता है हमारे ऊपर भी छापा पड़ने वाला है, तो फिर भगवान का स्मरण करने लगते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य
हे प्रभु बचाइए। कोई भयंकर बीमारी लग जाए तो उसके लिए भजन होने लगता है, प्रभु अब इससे छुड़ाओ, महामृत्युंजय बैठ जाते हैं। तो भगवान से प्रेम तो हो रहा है लेकिन स्वार्थ के कारण। और अच्छा, दो शर्तें लगी हैं भगवान के प्रेम में, क्या? अहेतुक अप्रतिहता। बोले भक्ति जो हो वो एक तो अहेतुकी हो, हेतु की भक्ति नहीं होना चाहिए, कामना से नहीं, और दूसरा अप्रतिहत नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि अभी भक्ति है पर छूट गई। और जो है जो भक्ति अहेतु की नहीं है, जो भक्ति अहेतु की नहीं है वही शाश्वत हो सकती है। पधारी पधारी। और जो हेतु सहित है, कामना सहित है, सकाम भक्ति है, वो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। कैसे? मान लीजिए किसी के यहां संतान नहीं है और उसको किसी महापुरुष ने बतला दिया कि संतान गोपाल का अनुष्ठान करो, इस प्रकार तुलसी से ठाकुर जी का अर्चन करो तो संतान हो जाएगी। तो वो भगवान की भक्ति कब तक करेगा, कब तक अनुष्ठान अर्चन करेगा? जब तक बेटा नहीं मिल जाता। और जैसे ही बेटा मिला तो वो भक्ति भजन छूट जाएगा, फिर तो लाला के लालन पालन में लग जाएंगे। तो जैसे ही कामना पूरी हुई भक्ति खत्म, ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन यदि भक्ति हमारी कामना रहित होगी तो वो निरंतर होगी, निरंतर बढ़ती हुई भक्ति होगी, और वही भक्ति भगवान को प्रिय है। धर्मानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुया नोत्पाद्यद रतिं श्रम एवैहि केवलम्। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है लेकिन सबका भावार्थ यदि करते रहे तो फिर आज यहीं अटक कर रह जाएंगे। बहुत कथा आगे बढ़नी है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऋषियों, धर्म का अनुष्ठान क्यों किया जाता है? धर्म का अभिप्राय अर्थ नहीं है। धर्म के द्वारा थोड़ा सा, धर्म जो है अर्थ के लिए नहीं है, धर्म मोक्ष के लिए है। धर्मस्यापवर्गस्य। धर्म किस लिए है? चार पुरुषार्थ है, ध्यान से समझिएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम लोग धर्म करते हैं अर्थ के लिए, जबकि धर्म अर्थ के लिए नहीं है, अर्थ धर्म के लिए है। और धर्म जो है वो तो भगवत प्राप्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है। धर्म करें मोक्ष प्राप्ति के लिए। और अर्थ, अर्थ किस लिए है? अर्थ भोगों के लिए नहीं है, अर्थ जो है वो धर्म करने के लिए है। और जो भोग भोगे जाते हैं उन भोगों को भोगने का मतलब इंद्रियों की तृप्ति नहीं है। भोगों को भोगने का तात्पर्य इंद्रिय तृप्ति से नहीं है, बल्कि भोग भोगना इसलिए आवश्यक है कि शरीर का निर्वाह हो सके, शरीर चलता रहे। भोजन किस लिए आवश्यक है? शरीर चलता रहे। भोग शरीर चलाने के लिए आवश्यक है। तो शरीर क्यों चलाएं? अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि शरीर क्यों? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। बोले जीवन इसलिए धारण करें कि उस परम तत्व को हम जाने। परम तत्व क्या है? बोले उस परम तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, और भक्त उसी को भगवान कहते हैं। योगियों का वो ब्रह्म है, योगियों का वो परमात्मा है, ज्ञानियों का वो ब्रह्म है, और भक्तों का वो भगवान है। उदाहरण से समझें, एक बार नारद जी द्वारिका में प्रकट हुए। तो नारद जी जब द्वारका में प्रकट हुए तो लोगों को लगा कि साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। ऐसा दिव्य प्रकाश नारद जी के द्वारा निश्चित हो रहा था, दिव्य प्रकाश का आभा मंडल दिखाई दिया तो लग रहा था कि साक्षात सूर्य आ रहे हैं। तो दिव्य ज्योति दिख रही थी, लेकिन नारद जी जैसे ही थोड़े नजदीक आए तो उसमें एक महात्मा की आकृति दिखने लगी, जटाजूट दिखने लगे, वीणा दिखने लगा। और नारद जी पास आए तो सब समझ गए, अरे ये तो नारद जी हैं। तो जितना दूर से देख रहे थे बस केवल एक प्रकाश दिख रहा था, पास में आए तो एक योगी दिखे, और नजदीक आए तो नारद जी दिख गए। उसी प्रकार भगवान को जब कोई बहुत दूर से देखता है, बहुत ध्यान से समझना, ईश्वर को कोई बहुत दूर से देखता है तो उसको ज्योति रूप में दिखती है। लोग कहते हैं ना कि भगवान एक ज्योति के रूप में है, जो बहुत दूर से देख रहे हैं उन्हें ज्योति के रूप में दिखते हैं, जो थोड़ा नजदीक पहुंच गए हैं
उनको भगवान जो है परमात्मा के रूप में माने, थोड़ा कुछ दिखने लगता, कुछ अनुभव होता है, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए भगवान बन जाते हैं, सुलभ होकर के उनके सामने सगुण साकार रूप में खड़े हो जाते हैं। भक्तों के लिए भगवान सहज सुलभ हो जाते हैं। भगवान को जानना कैसा है, ब्रह्म को जानना कैसा है, एक उदाहरण से समझें। देखो, ईश्वर को पूरा पूरा कोई नहीं जान सकता। जिसके अनुभव में जितना आ गया वो उतना ही समझता है भगवान ऐसे है, ईश्वर ऐसा है, लेकिन पूरा कोई नहीं समझ पाता। एक सूरदास जी की कल्पना है कि एक नगर था, उसमें सब अंधे लोग रहते थे, नेत्रहीन। समझाने के लिए दृष्टांत है, तो नेत्रहीनों का, सूरदासों का नगर था। उस नगर में हाथी आया तो घंटियों के बजने की आवाज हुई, तो लोगों ने कहा कि भाई क्या है। महावत से पूछा क्या है, महावत ने कहा हाथी है। बोले हमें दिखाओ। तो महावत ने कहा तुम कैसे देखोगे, तुम्हें तो आंख नहीं है। बोले हम छू के देखेंगे। तो महावत ने हाथी खड़ा कर दिया, देख लो। उन्होंने छू कर देखा तो किसी ने पूछ पकड़ ली, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने कान पकड़ लिया, किसी ने सूंड पकड़ ली, किसी ने पीठ पे हाथ रख लिया। महावत ने पूछा देख लिया, बोले देख लिया, जाए, बोले जाओ। अब वो हाथी लेकर महावत चला गया। लोगों की संगोष्ठी हुई, चर्चा हुई, बच्चा बतलाओ हाथी कैसा होता है। तो जिसने हाथी का पैर पकड़ा था वो कह रहा था कि हाथी जो है वो गोल खंभे की तरह होता है। दूसरा बोला नहीं नहीं, बिल्कुल झूठी बात है। जो कान पकड़ने वाला था वो कह रहा था हाथी तो अनाज साफ करने वाले सूप की तरह होता है। जिसने पूछ पकड़ी थी बोला नहीं नहीं, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हाथी जो है वो तो गोल लाठी की तरह होता है, पीछे बाल से होते हैं। जिसने सूंड पकड़ी थी वो कह रहा था खुरदरे पेड़ की तरह होता है। जिसने पीठ पर हाथ रखा वो कह रहा था गोल चबूतरे की तरह होता है। अब ये बताइए इनमें झूठ कौन बोल रहा है। झूठ कोई नहीं बोल रहा, लेकिन पूरा सत्य भी कोई नहीं बोल रहा, अधूरा सत्य बोल रहे हैं। जिसके जो हाथ लग गया वो कह रहा है हाथी ऐसा होता है। अब तीन दिन बाद महावत हाथी लेकर लौटा तो लोगों ने फिर कहा कि रुको रुको, क्योंकि लोगों के अलग अलग दल बन गए, सूंड वालों का अलग, पैर वालों का अलग, झगड़ा करने लगे। क्यों क्यों रोक रहे हो, बोले हाथी फिर से देखना है। बोले उस दिन नहीं देखा था, बोले उस दिन देखा था इसलिए तो अब फिर से देखना है, उस दिन के बाद झगड़ा प्रारंभ हो गया। तो महावत ने उन सबको समझाया कि देखो तुम लोगों को यदि आंख होती तो ये झगड़ा नहीं होता। तुम लोगों को आंख नहीं है इसीलिए तुम झगड़ रहे हो। यदि आंख होती तो तुम देख पाते कि जिन अंगों का तुम वर्णन कर रहे हो वो सब हाथी के ही अंग हैं। ये सब हाथी के अंग हैं, एक हाथी का ऐसा स्वरूप है। तो हम लोग जो झगड़ रहे हैं ना, कोई कहता है भगवान ऐसे हैं, कोई कहता है वो परमात्मा ऐसा है, कोई ऐसा है, ये क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि ज्ञान की उतनी दृष्टि नहीं है कि उसको पूरा समझ सकें। जिस दिन पूरा समझ में आएगा सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। जिसकी जितनी समझ में आ गया वो उतना कहता है कि वो परमात्मा ऐसा है। योगियों का वो परमात्मा है। अच्छा, उसको जानने से होगा क्या? उस परमात्मा को जानने से क्या होगा? बोले विद्यते हृदये ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परमात्मा को, परम तत्व को जानने से हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। बहुत सुंदर श्री सुखदेव जी वर्णन कर, श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं। मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं ऋषियों, जिससे तुम्हारे हृदय में हरि आकर प्रकट हो जाएंगे। तो प्रश्न किया कि ये भागवत कब से आरंभ हुआ, व्यास जी ने रचना कैसे की, परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा, और परीक्षित जी और सुखदेव जी का संवाद कैसे हुए, वो वृतांत सुनाइए। श्री सूत जी महाराज, व्यास जी ने भागवत की रचना किस प्रकार की पहले वो सुनाने लगे। कहते हैं द्वापरे सम्नु प्राप्ते तृतीय युग पर्याय जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलये हरे। वर्तमान चतुर्योगी का तीसरा योग, माने द्वापर योग चल रहा था,
और द्वापर युग की समाप्ति के समय सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। भगवान ही वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए, और भगवान जब व्यास बनकर के प्रकट हुए तो उन्होंने लोक कल्याण की भावना से क्या किया, वेदों के विभाग किए। पहले एक वेद था, चारों वेद एक ही रूप में समाहित थे, तो एक वेद से चार वेदों को प्रकट किया। किसने? व्यास जी ने। फिर भी लगा कि अभी भी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ, मुझे समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और कुछ करना चाहिए, तो फिर वेदों के अर्थ को किया, ब्रह्म संहिता को प्रकट किया, और उसके बाद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। 17 पुराण लिखे, अभी भागवत नहीं लिखी गई, 17 पुराण पहले लिखी गई, 18 भी भागवत है। उसके बाद महाभारत की रचना की, और महाभारत की रचना करके महाभारत में वेद के अर्थ को खोल करके रख दिया। महाभारत क्या है, मानो वेद का ही भाष्य है महाभारत। जो वेद को नहीं समझ सकते वो महाभारत को पढ़ करके अपना कल्याण कर लें, इस कामना से व्यास जी ने महाभारत की रचना की। अच्छा, वेद का अधिकारी सबको नहीं कहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि वेद में जैसा लिखा है वैसा उसका तात्पर्य नहीं होता है। परोक्ष रूप परोह वेदा, वेद जो है उसमें कहा कुछ जाता है और उसका अभिप्राय अर्थ कुछ और होता है। वेद की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, सबके समझ में नहीं आती। तो गुरु चरणों में बैठ करके जिसने वेदाध्ययन किया है और उसको समझा है वो ही उसको समझ सकता है। वेद को वैसे समझा नहीं जा सकता, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कुछ का कुछ समझ बैठेंगे। इसलिए व्यास जी ने कहा कि सब इसके अधिकारी नहीं है, गुरु परंपरा से जिनको प्राप्त हो वही अधिकारी। इसमें कोई वर्ण की भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, सिर्फ बात यह है कि जिसने परंपरा से उसको समझा है वही उसके तात्पर्य अर्थ को समझ सकता है, इसलिए ये प्रतिबंध लगा दिया। तो महाभारत की रचना की क्योंकि उसमें पूरे वेद के अर्थ को खोल दिया, सब सहजता से समझ सके। उसके बाद व्यास जी को लगता है कि मेरे अभी अवतार लेने का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, मुझे कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करूं? व्यास जी जैसे अपने मन में असंतुष्ट हैं अपने कार्यों से। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा, व्यास जी बड़े खिन्न मन से बैठे हैं, क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हैं? व्यास जी ने कहा, क्या बतलाऊं, मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ किया वो पर्याप्त नहीं है। मैंने वेदों के विभाग किए, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, वेदांत आदि की चर्चा खूब की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे और कुछ करना चाहिए। नारद जी ने समझाया, व्यास जी आपने बहुत कुछ किया लेकिन भगवान के निर्मल यश को नहीं गाया। कोई कितना भी बड़ा पंडित हो जाए, कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन यदि वो भगवान के निर्मल यश को नहीं गाता है तो उसकी वाणी अलंकृत नहीं हो सकती, उसकी वाणी सर्वमान्य सर्व पूज्य नहीं हो सकती। कोई सामान्य से सामान्य भाषा में भी भगवान के गुणों को गाए तो उसकी संत समाज में बड़ी सराहना होती है, लेकिन कोई कितनी भी साहित्यिक भाषा में व्याकरण सम्मत कविता लिखे और उसमें भगवान की चर्चा नहीं हो, संसार की चर्चा हो, तो संतों में उसकी कोई महिमा नहीं होती, संतों में उसकी मान्यता नहीं होती। आप भगवान के निर्मल यश को गाइए। एक बार अकबर बादशाह ने सुना कि सूरदास जी बड़े अच्छे पद गाते हैं, तो सूरदास जी को अपने महल में बुलवाया और कहा कि मुझे उनके पद सुनना है, कैसा गाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े कवि अपना सौभाग्य समझते थे दरबार में गाने का अवसर मिल जाए, अपने अपनी पद पदालावलियां बना करके सुंदर सुंदर राग रागनियों में अकबर को सुनाया करते थे। तो एक बार सूरदास को बुलाया गया, सूरदास जी तो बेचारे दुखी मन से आए क्योंकि वो तो एक ही बात साहे के लिए गाते हैं। सूरदास जी से कहा कि कोई बढ़िया सा पद सुनाओ मेरी प्रशंसा में। सूरदास जी ने सुनाया तो, लेकिन सूरदास जी ने अकबर की प्रशंसा में नहीं सुनाया, ठाकुर जी की प्रशंसा में सुंदर पद सुनाया।
अकबर नाराज नहीं हुआ, उनकी भावना का आदर किया और कहा कि जो मांगना हो मांग लो, मैं तुम्हारे पद को सुनकर के बहुत प्रसन्न हो गया। सूरदास जी ने कहा मांगू, बोले मांगो। बोले यदि देना चाहते हो तो ये दे दो, मुझे यदि देना है कुछ तो ये दे दो कि आज के बाद मुझे कभी अपने दरबार में मत बुलाना और कभी तुम मुझसे मिलने आना मत, ना तो मुझसे मिलने आना और ना कभी तुम मुझे बुलाना। तो लोगों में आश्चर्य हो गया कि भाई बड़े बड़े कभी अपना सौभाग्य समझते हैं और सूरदास जी कह रहे हैं कभी मिलने मत आना। क्यों? सूरदास जी बोले मैं किसी प्राकृत राजा के लिए नहीं गा सकता, मैं तो अपने श्री कृष्ण के लिए गाता हूँ, गोविंद के लिए गाता हूँ। भैया जो कुछ भी हम कहें, हमारा प्रतिपाद्य विषय क्या है महत्वपूर्ण है। हमारे प्रतिपाद्य विषय परमात्मा हो। नारद जी कह रहे हैं आपने बहुत कुछ गाया, बहुत कुछ लिखा, आपकी लेखनी ने बहुत चमत्कार रचनाएं की, लेकिन आपने भगवान के निर्मल यश को नहीं गाया। आप भगवान के निर्मल यश को गाइए। नारद जी अपनी सुना रहे हैं, बोले पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, दासी पुत्र था मैं, और मेरे पिताजी तो जो है गृह त्याग करके वन में चले गए और मेरी माता एक वेदवादी ब्राह्मण के घर में सेवा करने लगी, एक गृहस्थ ब्राह्मण थे उनके घर में सेवा करने लगी। अब मेरी माता सेवा कर रही थी, उसी समय उन ब्राह्मण के घर में कुछ संतों का आगमन हो गया। चातुर्मास के लिए संत एक जगह रुक जाते हैं, आप लोग जानते हैं। ये अभी जो देवसेनी एकादशी निकली है इससे देव उठनी तक, ये बरसात के जो चार महीने होते हैं, तो पुराने संतों का नियम था कि वो बरसात में कहीं ज्यादा नदी नाले पार नहीं करते थे, वो एक जगह रुक जाते थे, चातुर्मास करते थे। और इस चातुर्मास में भगवान का भजन कीर्तन खूब एक जगह बैठकर करते, आज भी कई संत चातुर्मास करते हैं। तो वो वेदवादी ब्राह्मण के घर में बहुत सुंदर अच्छे महात्मा पधारे और वहां रुक गए चातुर्मास के लिए। नारद जी कहते हैं मैं छोटा सा बालक था और उन संतों की सेवा में लग गया। अब नारद जी कहते मेरी आयु बहुत थोड़ी सी, बहुत छोटी थी उस समय, लेकिन मेरी बुद्धि में चंचलता नहीं थी, मैं कम बोलता था और उन संतों की बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनता था। वो संत जो है भगवत चर्चाएं करते थे, भगवान की कथाएं गाते थे, सुनते थे, मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता सुनते सुनते। उन संतों को भी मुझ पर बड़ी दया आई, उन्होंने मेरा नाम हरिदास रख दिया, बेटा हरिदास जरा हमारे लिए समिधा ला दो। कभी कहते बेटा हरिदास हमारी पूजा के लिए पुष्प ला दो, कभी तुलसी ला देता, कभी बिलपत्र ला देता, कभी कुछ सेवा कर देता, उनके कपड़े धो देता। और उन संतों के भोजन के बाद जो भोजन बचता वो शीत प्रसादी के रूप में, महाप्रसादी के रूप में वो संतों की बची हुई झूठन खा लेता। देखो ना तो किसी का झूठा खाना चाहिए और ना अपना झूठा किसी को खिलाना चाहिए। झूठा क्यों नहीं खाना चाहिए? हम जिसका झूठा खाते हैं उसके अंदर के जो गुण हैं वो हमारे अंदर उस भोजन के माध्यम से आ जाते हैं। हमारे ऋषियों ने बहुत सूक्ष्म गणना की है, सूक्ष्म विचार किए हैं। आजकल हम लोगों ने ये सब मटिया मेट कर दिया, लोग तमाम झूठा मीठा खाते रहते हैं। कब खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, ये सब का विवेक हमने सब त्रोहित कर दिया। कब खाएं, कहां खाएं, क्या खाएं, इसका विवेक होना चाहिए। दूसरे का झूठा कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिसका झूठा हम खा रहे हैं उसके गुण उसके द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे अंदर आ जाएंगे। लेकिन संत महापुरुषों का झूठा खाना चाहिए, क्योंकि उन संत महापुरुषों के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाएं। इसलिए महापुरुषों के शीत प्रसादी खाना चाहिए, उनका झूठा खाना चाहिए। और इस झूठा खाने के एक उदाहरण आपको बतलावे, वृंदावन में स्वामी हरिदास, आप लोग जो भी वृंदावन गए हैं स्वामी हरिदास जी के स्थान देखा होगा, निधि वन में विराजे हैं, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। उनके शिष्य थे तानसेन, तानसेन उनके यहां राग रागनिया सीखने, संगीत सीखने के लिए स्वामी हरिदास के यहां गए।
और स्वामी हरिदास जी उनको कुछ सिखा रहे थे, तो उन्होंने सा जो सरगम में सा होता है बोले सा का सा बजाओ। तो हमने संतों से सुना है कि तानसेन को आज्ञा मिली कि बस केवल सा बजाओ, तो वो सा पर हाथ रख करके अलाप लगाया करते, तो उसका उनको सिद्धि हो गई और वहां जो पत्थर थे वो पिघलने लगे थे जब वो स्वर लगाते थे। एक दिन क्या हुआ कि स्वामी जी ने कुछ खाया प्रसाद, भगवान की प्रसादी कुछ खाई और जिस दोने में प्रसादी थी वो दोना एक तरफ पटक दिया। तानसेन ने वो दोना देख लिया कि प्रसादी खाकर गुरुजी ने डाला है, उठाकर देखा उसमें कुछ प्रसाद तो बचा नहीं था, तो वो दोने को ही खा गए। देखो ये भावना है, उस झूठे थोड़ा बहुत झूठन लगा होगा तो थोड़ी बहुत झूठन लगे हुए उस दोने को, ये तानसेन की और उनकी सत्य घटना है। दोने को पत्ते का दोना स्वामी जी ने देख लिया, पर स्वामी जी ने जैसे ही देखा तो थोड़े से मुस्कुरा गए, और जैसे ही स्वामी हरिदास जी मुस्कुराए तो सारी राग रागनियां जो है वो तानसेन के अंदर प्रतिष्ठित हो गई, अपने आप राग रागनियां प्रकट हो गई, सिखाना नहीं पड़ा अपने आप प्रकट हो गई। ये महाप्रसादी का परिणाम है, संतों की शीत प्रसादी से जीवन बदल जाता है। कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा था लेकिन संतों की प्रसादी खाते खाते मेरा मन एकदम निर्मल हो गया, अंतःकरण निर्मल विशुद्ध हो गया। अब मैं संतों के साथ कथा सुनता और संत कीर्तन करते तो नाचने लगता। अब एक बार क्या हुआ कि वो संतों को जाने का समय आया, उनका चातुर्मास पूरा हो गया, और जब वो जाने लगे तो मैंने चरण पकड़ लिए, आपके बिना मैं कहां रहूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। उन्होंने कहा कि बेटा हम तुझे एक मंत्र देते, घर में ही रह के मंत्र जपना। मुझे मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र को बोलते हैं वासुदेव गायत्री मंत्र। ये मंत्र नारद जी को उस समय दे गए। देखो नारद जी उस दासी पुत्र के रूप में जब आए उसके पहले एक गंधर्व थे, और गंधर्व थे तो की सभा में कुछ गायन कर रहे थे, तो अप्सराओं को देख करके इनका मन विकृत हो गया, उनकी ओर मन खिंच गया, तो प्राकृत गीत गाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा तो श्राप दे दिया कि तू ब्रह्म में लोक में रहने के योग्य नहीं है, जा पृथ्वी पर चला जा। तो वो गंधर्व ही पृथ्वी पर दासी पुत्र के रूप में आए, लेकिन यहाँ संतों का संग मिल गया और संतों से मंत्र मिल गया, उस मंत्र का जप किया और मंत्र के जप के प्रभाव से नारद देव ऋषि नारद के रूप में उनको तीसरा जन्म मिला, वो देव ऋषि नारद बन गए। नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि देखो भगवान की भक्ति का चमत्कार, भगवान की कथा का चमत्कार देखो कि कहां तो मैं दासी का बेटा था और भगवान की कथा सुनी तो मैं देव ऋषि बन गया, और राधा रानी ने मुझे कृपा करके ये वीणा प्रदान कर दी। ठाकुर जी से कहा कि इसको कुछ प्रसाद दो, तो राधा रानी की कृपा से मुझे ये प्रसादी के रूप में वीणा मिल गई। देव दत्ताम वीणा स्वररम विभूषिताम मूरजत्व हरि कथाम गायमानश्च राम्यहम्। राधा रानी ने कृपा की। अच्छा राधा रानी तो बड़ी दयालु है ही, कौन है किस पर नहीं है, राधा रानी की कृपा थोड़ा गा लिया जाए। Oh,
राधे Yeah.
सब व्याधा मिट जा, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा राम सुजा। निकुंज में राधा रानी को मुझ पर दया आई और जब मैं नारद के रूप में प्रकट हुआ तो उनकी कृपा से मुझे ये वीणा मिली और इस वीणा पे मैं उन्हीं के गुणों को गाया करता हूं। भगवान की कथा सुनने से मेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। कहां तो मैं एक दासी पुत्र बना हुआ था और कहां मैं देव ऋषि बन गया जो ब्रह्मा से प्रकट हुआ, ब्रह्मा पुत्र बन गया। ब्रह्मा जी के बेटे हैं नारद जी। व्यास जी ने कहा आपका अभिप्राय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? बोले भगवान के निर्मल यश को गाइए, श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए, भगवान की प्रेम कथा को आप कही आइए। भागवत की रचना के बाद ही व्यास जी को संतोष हुआ है और जिस भागवत ग्रंथ से व्यास जैसे को संतोष हो गया तो हमको संतोष क्यों नहीं होगा भैया। हम भी इसका आश्रय लेंगे तो जीवन आनंद से परिपूरित हो जाएगा। श्री नारद जी महाराज ने चतुश्लोक की भागवत जो है ब्रह्मा जी से जो प्राप्त हुई थी वो चतुश्लोक की भागवत व्यास जी को प्रदान कर दी। नारद जी तो पधार गए और सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके सम्यक प्रास नाम के अपने आश्रम में वेद व्यास जी ने बद्री वन में बैठ करके भागवत की रचना की। अभी भी बद्रीनाथ जो लोग जाते हैं तो वह व्यास गुफा है, व्यास जी ने वहीं बैठ करके इसकी रचना की और फिर अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान की समय आने पर। और वही श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्राप लगने पर उनको सुनाई।
तो परीक्षित के जन्म की कथा ऋषियों ने पूछी, सूत जी आप परीक्षित के जन्म की कथा सुना रहे हैं। बोले जिस समय महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, कौरव सेना का संहार हुआ और पांडव विजयी हुए। पांडव विजय की रात्रि में आज उत्सव मना रहे हैं और सम्रांग भूमि में, उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों के और सैन्य उस सेनाओं के सब बिखरे हुए पड़े हैं, छिन्न भिन्न सब बिखरे हुए पड़े हैं और उन्हीं सबों के बीच में पड़ा हुआ है दुर्योधन, जो अभी मरा नहीं है, घायल अवस्था में है, कराह रहा है। भीमसेन की विशाल गदा से जिसके उदंड खंडित हो गए हैं, जंघाएं टूट चुकी हैं, मांस भोजी गीद और कोए आदि जो हैं, वो लाशों पर आकर के बैठते हैं, उन सबों पर आकर बैठते हैं और दुर्योधन को मरा हुआ जानकर कई बार उसके पास भी आकर बैठ जाते हैं। उनको भगाते भगाते दुर्योधन संतप्त हो गया। रात्रि के समय अश्वत्थामा मिलने गया और जाकर कहा कि मित्र दुर्योधन, हम लोग हार गए। दुर्योधन बोला कि मित्र, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हम हार गए, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय तो होती है, किसी एक की जय तो किसी एक की पराजय सुनिश्चित है। पराजय मिली इसका मुझे कोई गिलानी नहीं है। अश्वत्थामा ने पूछा, पर रो क्यों रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूं, हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 थे, उनमें से एक भी कम नहीं हुआ, पांचों के पांचों बैठे। अपने मरने का मुझे दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है पांडव जिंदा क्यों बैठे। हमारी भी आज यही स्थिति है, हम लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। हमारे पास एक गाड़ी है कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी के पास तीन तीन क्यों खड़ी है, ये तकलीफ है। दुर्योधन इस बात से दुखी है कि पांडवों में से एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस अंतिम इच्छा को पूरा करूंगा। क्या करोगे? क्यों झूठी दिलासा दे रहे हो? इतनी बड़ी कौरव सेना जिनका कुछ न बिगाड़ सके तुम अकेले? बोले मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अश्वत्थामा गया, रात्रि का समय, शिविर में प्रवेश किया। अभी पांडव शिविर में ही हैं, गए नहीं है नगर में। आज श्री कृष्ण पांडवों को शिविर से निकाल करके ले गए। देखिए भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान को पांडवों को बचाना है, इसलिए भगवान पांडवों को शिविर से निकाल करके ले गए थे। बोले विजय की प्रथम रात्रि को शिविर में नहीं रुकना चाहिए, विजय की प्रथम रात्रि को जाकर के सत्संग करना चाहिए, संतों के पास ले गए। पांडवों की सूनी सेजों पर उनके बेटे आकर के सो गए, जो पांचों पांडवों के बेटे थे, एक एक पांच द्रौपदी के द्वारा जिनका जन्म हुआ था। अश्वत्थामा ने, रात्रि का अंधेरा था, सोचा पांडव सोए हुए हैं, तो पांडव समझ करके उन पांडव पुत्रों का ही वध कर दिया और उनका सिर काट कर दुर्योधन को दिखाने के लिए ले गया। दुर्योधन से कहा कि देखो पांचों समाप्त कर दिए। दुर्योधन ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, भीमसेन का मस्तक दिखाओ। और जैसे ही भीमसेन के बेटे का मस्तक दिया, दुर्योधन ने ऐसे लेकर दबाया तो चूर चूर हो गया। बोले मेरे विशाल गदा से जिस भीमसेन का मस्तक कभी नहीं फूटा, उस भीमसेन का मस्तक ऐसे दबाने से चूर चूर नहीं हो सकता, निश्चित तुमसे भूल हुई है। और जब सवेरा हुआ तो देखा पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है, दुर्योधन भी दुखी हो गया, ये तुमने उचित नहीं किया, इनको मारकर ठीक नहीं किया। रोते हुए दुर्योधन का तो प्राणांत हो गया। और यहां अपने पुत्रों को जगाने के लिए द्रौपदी जैसे शिविर में गई तो देखा कि शिविर से रक्त की धार बह रही है। शिविर से रक्त की धार बहती हुई देखकर के द्रौपदी व्याकुल हो उठी और विकल होकर के रो पड़ी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परिताप्यमानम तदारुरद्वास कलाकुलाक्षी तासांत्वतानाह कीरीटमाली। हे अर्जुन, हे कीरीटमाली, हे श्री कृष्ण, आकर देखो तो सही, ये पुत्रों को क्या हो गया?
सिर विहीन धड़ों को देख करके व्याकुल पांडव बहुत रोए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, जिसने सोए हुए पुत्रों को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण ने रथ लिया, अर्जुन रथ पर बैठे और पता लगाया किसने ये काम किया, तो पता लग गया कि ये काम अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा को पकड़ने गए, अश्वत्थामा को पशु की तरह बंदी बना लिया और लाकर द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। ये रहा तेरे पुत्रों का हत्यारा, जो दंड देना हो दो। द्रौपदी ने जैसे ही अपनी नजर उठा करके देखा कौन है मेरे बेटों का हत्यारा, और सामने बंधा हुआ अश्वत्थामा, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी द्रौपदी। और प्रणाम करते हुए क्या कह रही है पांडवों से, उवाच चाहन्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इन्हें छोड़ो छोड़ो जल्दी छोड़ो, ये तुमने क्या कर दिया, इनको बांध रखा है। उस समय अर्जुन ने कहा, देवी तुम जिनको छोड़ने की बात कर रही हो वो कोई और नहीं, तुम्हारे बेटों का हत्यारा है, इसी ने मारा है। द्रौपदी देखिए कितनी बड़ी दया की मूर्ति है, कितनी हृदय में दया रही होगी कि पांच बेटों के हत्यारे को प्रणाम कर रही है। देवता पुष्प बरसाने लगे, धन्य है द्रौपदी तेरी दया और धन्य है तेरे धर्म का स्वरूप। द्रौपदी कह रही है कि देखो जो भी हो लेकिन ये ब्राह्मण है और तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें इस प्रकार इनको बंदी नहीं बनाना चाहिए, इनको हम प्रणाम करें ये हमारे लिए उचित है। और फिर हमारे गुरुजी के पुत्र भी तो हैं, ये गुरु द्रोण के बेटे हैं और पिता नहीं रहने पर पुत्र ही पिता के रूप में होता है ऐसा माना जाता है। तो आज तुम्हारे गुरु द्रोण तो रहे नहीं, वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनके पुत्र के रूप में मानो साक्षात तुम्हारे गुरुजी ही सामने खड़े हैं, गुरु द्रोण ही खड़े हैं। ऐसा व्यवहार तुम्हें इनके साथ नहीं करना चाहिए। तो भीमसेन ने कहा कि द्रौपदी जिस पर इतनी दया दिखला रही हो ये हत्यारा है, तुम्हारे पुत्रों की हत्या इसी ने की है, इसको तो अवश्य दंड मिलना चाहिए। रोती हुई द्रौपदी ने बहुत प्यारी बात कही है, अच्छा आर्य क्या इसको मारने से मेरा एक भी बेटा मुझे वापस मिल सकता है? बोले नहीं वो तो नहीं मिल सकता, इसको मारने से मेरा एक भी बेटा मुझे नहीं मिलेगा, और मैं एक माँ हूं और मैं जानती हूं कि पुत्र का वियोग क्या होता है। आज मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि कल इसकी माँ भी मेरी तरह बिलक बिलक करके रोए, इसलिए इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। कि माम रोत्यसी जननी गौतमी पति देवता यथा हमृतवसारता रोदिदम सुमुख। छोड़ दो इनको, जाने दो। अब धर्मराज युधिष्ठिर भी कह रहे हैं देखो जो हुआ सो हुआ, अब इनको छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं गुरु पुत्र हैं। अब अर्जुन के सामने बड़ी दुविधा हो गई, क्योंकि अर्जुन ने प्रण किया था कि मैं बच्चों के हत्यारे को मार डालूंगा। द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, बड़े भैया युधिष्ठिर भी कह रहे हैं छोड़ दो, और भीमसेन अड़े हैं कि भीमसेन कह रहे हैं अर्जुन तूने नहीं मारा तो मैं मार डालूंगा। अब भीमसेन की बात माने कि द्रौपदी की बात माने कि अपने प्रण को निभाएं, क्या करें? तो जब जब जीवन में ऐसी दुविधा आती है तो किसके शरण में जाना चाहिए? गुरु की शरण में। और इनके गुरु कौन है? श्री कृष्ण। कृष्णम बंदे जगत गुरु, क्योंकि इन्हीं ने तो गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को, गुरु जी तो हुए। प्रणाम किया, भगवान आप निर्णय कीजिए मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे उसको दैहिक दंड नहीं देना चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा है। देखो जिस समय ये स्थिति आ जाए कि किम कर्तव्य विमूढ़तम,
मैं क्या करूं क्या ना करूं। उस समय शास्त्र ही प्रमाण होता है, शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक तरफ तो शास्त्र की आज्ञा है कि ब्राह्मण को कितना भी बड़ा अपराध करने पर देह का दंड नहीं देना चाहिए, और दूसरा शास्त्र का नियम ये है कि आताताई चाहे कोई भी हो उसकी जाति नहीं देखना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। आताताई बधार हण मार देना चाहिए। अर्जुन ने कहा जय हो प्रभु। एक तरफ तो कहते हैं छोड़ना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं मारना नहीं चाहिए, मैं करूं क्या। अर्जुन समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाला सीधा कभी नहीं बोलेंगे, ये उल्टा ही बोलेंगे, इनकी बात को समझना पड़ेगा। भगवान कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण को दैहिक दंड नहीं दे सकते, मानी मार नहीं सकते, लेकिन उसको दूसरे प्रकार से उसकी हत्या। ब्राह्मण की हत्या क्या है कि बपनम द्रवणादानम स्थानानि निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधो नाम पदो नान्योस्ति देहि। बपनम मुंडन कर दिया जाए, धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाए, ये ब्राह्मण की हत्या है। तो अश्वत्थामा को जो रस्सियों में बंधा हुआ था उसका बपन कर दिया और उसको धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया, तो अर्जुन की प्रतिज्ञा का भी निर्वाह हो गया और द्रौपदी की बात भी रह गई, ब्राह्मण को मारा नहीं छोड़ दिया। अश्वत्थामा चला, अश्वत्थामा को लगा कि पांडवों ने मेरे को बड़ा अपमानित किया है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। पांडवों का वंशधर उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, कौन बाद में जो परीक्षित के रूप में जन्म लिए। पांडवों की वधु है कौन, उत्तरा। अभिमन्यु जो थे अर्जुन के बेटे, अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन अभिमन्यु जब युद्ध के लिए गए तो उनकी पत्नी जो है वो गर्भवती थी और अश्वत्थामा इस रहस्य को जानता था। उसको लगा कि अब तो वो बालक जन्म लेने वाला होगा, मैं उसको गर्भ में ही समाप्त कर दूं तो जो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। कुटिल बुद्धि का। अच्छा देखो अश्वत्थामा जो है कौन है, भगवान शिव के ही अवतार हैं अश्वत्थामा। भगवान शिव ही अश्वत्थामा के रूप में आए हैं और फिर भी ऐसा निंदित कर्म कर रहे हैं कि बच्चे गर्भ में बच्चे को मारना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की एक लीला को यहां प्रकट करना था। वो जानते थे कि उस बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। क्यों मृत्यु क्यों नहीं होगी? बोले जिसके रखवाले श्री कृष्ण हो उसको कोई कैसे मार सकता है, मृत्यु तो उसकी हो ही नहीं सकती। बस भगवान की महिमा को प्रकट करने के लिए एक लीला मानो ये अश्वत्थामा के माध्यम से शिवजी ने करवाई। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ पर। भागती हुई उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई और प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परं। प्रार्थना करने लगी हे श्री कृष्ण त्राहिमाम मेरे पुत्र की मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। अपनी रक्षा की बात नहीं कह रही है, मे गर्भो निपात्यता मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मेरा गर्भ नष्ट हुआ जा रहा है, जला जा रहा है इस अस्त्र से। ओ भगवान ने तनिक भी देर नहीं की, जलते हुए शस्त्र को देखा, छोटा सा स्वरूप बनाया और उत्तरा की श्वासों के द्वारा उसके उदर में चले गए। और उस गर्भस्थ शिशु को जो शस्त्र जला रहा था, भगवान ने एक आभा मंडल प्रकट कर दिया उस शिशु को बचाने के लिए और अपने तेज से उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। और ब्रह्मास्त्र जब शांत हो गया तो भगवान बाहर आए और उत्तरा से पूछा देवी अब ठीक हो? बोले ठीक ठीक। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान देखो गर्भ में भी चले गए। गर्भ जो है उससे बड़ा कोई नरक नहीं है। गर्भवास समम दुःखम ना भूतो न भविष्यति, क्योंकि मलमूत्र का ही तो स्थान है,
और भगवान ऐसे स्थान पर क्यों जाएंगे, लेकिन भगवान इस लीला के माध्यम से हम सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि मुझे अपने भक्त की रक्षा के लिए नरक में भी जाना पड़े तब भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मेरा भक्त मुझे बुलाने के लिए तैयार तो हो। क्यों भगवान ने ऐसा क्यों किया? उत्तरा की भक्ति को देखकर। उत्तरा के ऊपर जब संकट आया तो उत्तरा के सामने पांच पांच ससुर खड़े हुए हैं, द्रौपदी सासू जी खड़ी हुई हैं, कुंती परदा जो है दादी सास खड़ी हुई हैं, सैनिक खड़े हुए हैं, मंत्री महामंत्री खड़े हुए हैं, किसी के पास नहीं गई कि मेरी रक्षा करो, बड़े बड़े वीर खड़े हैं, किसके पास गई? भगवान श्री कृष्ण के पास। क्यों? द्रौपदी ने समझाया था, बेटी जब मेरे जीवन में संकट आया तो मैं सबके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई कि मेरी रक्षा कर लो, किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी उस सभा में बैठे हुए थे, लेकिन सब मूक हो गए और दुशासन मेरी साड़ी को खींच ने नहीं रोका। जब किसी ने मुझे नहीं बचाया, ऐसा लग रहा था कि आज मेरी लज्जा चली जाएगी, आज मुझे इस सभा में अपमानित होना पड़ जाएगा। और उसी समय मैंने द्वारिकानाथ का ध्यान किया और द्वारिकाधीश वस्त्रावतार लेकर के प्रकट हो गए, मेरी साड़ी आकर के बढ़ा दी, खींचते खींचते थक गया। लोग सोच रहे थे कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। साड़ी इतनी बढ़ती चली गई कि साड़ी समाप्त ही नहीं हो रही है, बढ़ती ही चली गई। द्रौपदी कह रही है, बेटी मेरी रक्षा जिन गोविंद ने की थी वही गोविंद की शरण तू ग्रहण करना, जब भी जीवन में संकट आए तो उन्हीं की शरण ग्रहण करना। और इस सूत्र को हम लोग भी जीवन में दृढ़ता से उतार लें, अनन्य आश्रय भगवान का लें। अनन्य आश्रय का अर्थ क्या है? ना अन्या अनन्या, अन्य किसी दूसरे का आश्रय नहीं, केवल और केवल एक परमात्मा का आश्रय है। आशाए के राम जी से दूजिया सा छोड़ दे, और नाताए के राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा करनी है तो केवल अपने ठाकुर जी से करो, जो कुछ मन की बात भी कहना है तो ठाकुर जी से कहो, बस उन्हीं की शरण में लग जाओ उत्तरा की तरह। तो भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मुझे भजता है उसके योग और क्षेम का वाहन मैं स्वयं करता हूं। उत्तरा की रक्षा की, उसके गर्भस्थ बालक की भी रक्षा की। और जब भगवान रथ में विराजमान होकर द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए तो कुंती मैया सामने से भगवान की स्तुति करने के लिए आ गई, और कुंती मैया ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलिक्षम सर्वभूतानां अंतर्वहिरवस्थिता। कुंती ने भगवान की प्यारी स्तुति कही और कुंती कहती है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, हे परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ईश्वरे प्रकृते परम, आप इस प्रकृति से परे हैं, ईश्वर हैं। श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ जी आप मुझे प्रणाम कर रही हैं, अरे उचित तो हो कि भतीजा बुआ जी को प्रणाम करे, उल्टा आप मुझे ही प्रणाम कर रही हैं। कुंती कहने लगी, प्रभु अब आप अपनी ये बातों को थोड़ी देर बंद रखिए, मैंने कितनी बार बड़ी नजदीक बड़े नजदीक से आपकी भगवत्ता को देखा, लेकिन जब भी मैं आपकी भगवत्ता को पहचानने लगती हूँ तो आप बुआ जी कहते हो, वात्सल्य का पर्दा डल जाता है और मैं सोचती हूँ चलो मेरा भतीजा ही तो है, सब भूल जाती हूँ। इसलिए आज मेरे मन के उद्गार कह लेने दीजिए, कहो। बोले मैं जानती हूँ आप कौन हैं, अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्वहिरवस्थिताम्।
प्रभो समस्त भूतों में यानी समस्त प्राणियों में आप ही विराजमान हैं अंतर्यामी रूप से, और इस संसार में जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके रूप में भी आप ही हैं। तो अंदर भी आप हैं और बाहर भी आप हैं, लेकिन आपकी लीला यह है कि आप दिखाई नहीं देते, आपने एक पर्दा डाल रखा है। कौन सा पर्दा है? वो है माया का पर्दा। जैसे कठपुतली का खेल खेलने वाला, आजकल तो कम हो गया, पहले कठपुतली का नाटक दिखाते थे, तो जो सूत्रधार होता है वो कठपुतलियों को नचाता है, तो वो सूत्रधार पर्दे के पीछे बैठा होता है और वहां से उन धागों को धीरे धीरे खींचता है, तो कठपुतलियां नाचती हुई दिखती हैं, आपस में गाती हुई दिखती हैं, ऐसा लगता है आपस में बात कर रही हैं, चल रही हैं। वो तो लकड़ी की है, ना वो बोल सकती, ना चल सकती, ना नाच सकती, ना गा सकती, लेकिन वो सब कुछ करती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे कोई और सूत्रधार बैठा है जो उसको चला रहा है। मानो कुंती कहना चाह रही है, प्रभु ये सारा संसार तो कठपुतली का खेल है, हम सब कठपुतली हैं और सबके सूत्रधार आप हैं, आप जब जिसका सूता जिधर खींचते हैं वो उधर चल देता है, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता है, सूत्रधार आप हैं। महाभारत में कोई कहता है कि महाभारत को जिताया किसने? अर्जुन के गांडीव ने। कोई कहता है भीमसेन की गदा से जीता गया, कोई कहता है धर्मराज के धर्म की सत्य प्रतिज्ञा के कारण जीता गया, लेकिन सच्ची बात तो यह है, कुंती कहती है प्रभु इन सबने महाभारत नहीं जीता, महाभारत तो आप स्वयं लड़ रहे थे, पूरी महाभारत तो आपके हाथों ही है, किसी ने कुछ नहीं किया, सूत्रधार आप है, और मैं जानती हूं आप कौन है। ये ऐश्वरी की लीला का वर्णन करते करते कुंती को एकदम बात्सल्य उमड़ पड़ा, और जब बात्सल्य आया तो क्या कहने लगी कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। अब ये बात्सल्य की बातें हो रही है, नंदे गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। क्या कह रही हैं? कृष्णाय। देखो भागवत के एक एक श्लोक बड़े अद्भुत हैं। बोले हमारे कुल गुरु जो गर्गाचार्य जी थे उन्होंने आपका नाम कृष्ण रखा, आप कृष्ण हैं, कृष्णाय वासुदेवाय, आप मेरे भैया वसुदेव के बेटे हैं, देवकी नंदनाय चा, आप मेरी भौजाई, मेरी भाभी देवकी के लाला बन गए हैं, तो आप स्वात्मा विश्व के पिता, लेकिन आपकी कृपा आपका अनुग्रह कि आप मेरे भाई के बेटे बनकर के प्रकट हो गए। नंद गोप के यहां जाकर के आपने बड़ी सुंदर लीलाएं की और गायों के पीछे चलने से आपका नाम गोविंद हो गया। 26 श्लोकों की स्तुति है कुंती मैया की। जब स्तुति की तो भगवान ने कहा कुछ मांग लो। बोले आज अवश्य मांगूंगी, बहुत इच्छा है मांगने की, मांगो। देवता थर थर कांपने लगे, कहीं कुंती स्वर्ग का शासन ना मांग ले, क्योंकि इसके पुत्र पृथ्वी पर बड़े दुखी होकर बन बन भटके हैं। कहीं ऐसा नहीं कि आज ठाकुर जी से कह दे मुझे तो मेरे बेटों के लिए स्वर्ग का शासन दे दो तो हमारा तो काम हो गया। इंद्र भी डर रहे थे, लेकिन कुंती ने क्या मांगा? भगवान के भक्तों से, भागवत के भक्तों से मांगना सीख लो। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा मांगिए, तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही मेरे जीवन में कभी ना हो। कुंती से कहा मांगिए, कुंती कह रही है प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में पग पग पर रोज नई नई विपत्तियां आए। भगवान ने कहा कि इतनी विपत्तियां जीवन में मिली मन नहीं भरा? बोले असल में क्या है कि मैंने जीवन में एक चीज समझ ली,
कि जब जब जीवन में विपत्ति आई तब तब आप आए हैं, और आज जब जीवन में संपत्ति आ गई तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। हमें वो संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें आप चले जाएं, हमें वो विपत्ति अच्छी है जिसमें आप बने रहे। यथा हसिके सुखले न देवकी कंसे चिरम सुचार पिता विमोचता हम च सहात्मजा विभो वैवनातेन मोरपक्कणा विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे तो वो विपत्ति अच्छी है क्योंकि विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं। कल हमने निवेदन किया था भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। मीरा जी कहती हैं मेरी संपत्ति क्या है, मैंने कौन सा धन पाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो है। मीरा की संपत्ति क्या है, कौन सा धन मिला मीरा को, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु धन है भगवान की स्मृति का धन है, ये कैसा है, खर्चे न खोचे जाए चोरे न लूटे, जाए चोरे न लूटे, खर्चे न खोचे चोरे न लूटे, भगवान की स्मृति बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। एक भक्त हुए राका बांका, भक्तमाल में इनकी कथा है। राका बांका एकदम विपन्न थे तो ब्राह्मण, लेकिन लकड़ी बीन करके अपने निर्वाह करते थे, कोई संग्रह नहीं कोई परिग्रह नहीं, खूब भजन दोनों पति पत्नी, पति पत्नी दोनों का नाम था राका वाका, पति राका और पत्नी बांका। एक बार एक नाथ जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप इन भक्तों को कुछ देते नहीं, बेचारे आपका कितना दिन रात भजन करते हैं और कितनी विपन्नता में जी रहे हैं, आप इनको कुछ दे क्यों नहीं देते। भगवान बोले मैं तो देना चाहता हूं ये लेते ही नहीं। बोले अरे वाह आप देंगे तो क्यों नहीं लेंगे। भगवान ने कहा चलो देख लेते हैं। तो भगवान एकनाथ जी को साथ लेकर के गए। एकनाथ जी के सामने भगवान प्रकट होते थे, साथ खेलते थे। एकनाथ जी के साथ भगवान गए और राका बांका जिस रास्ते से आ रहे थे जंगल में लकड़ी बीनने, तो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली डाल दी रास्ते में और 10-5 निकाल के बाहर भी डाल दी ताकि समझ जाएं कि इसमें क्या है। और राका जी आगे आगे कीर्तन करते चल रहे थे, पीछे पीछे उनकी पत्नी बांका आ रही थी।
तो पति की दृष्टि रांका जी की दृष्टि पड़ी, ओहो ये तो धन पड़ा हुआ है, उनको तो धन से किसी पराय धन से क्या प्रयोजन। उनके मन में आया कि पीछे पीछे श्रीमती जी आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो इस धन को देखकर उनकी बुद्धि बिगड़ जाए, तो वो उस पर थोड़ी मिट्टी डालने लगे कि उनको दिखे ना। तो जैसे ही मिट्टी डालने लगे तो पीछे से पत्नी आ रही थी, पूछा कि स्वामी क्या हुआ, क्या कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं आपने कुछ किया। अरे बोले दीदी कुछ नहीं, वो तो देख चुकी थी। बोले अरे स्वामी मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, मेरी नजर में तो ये भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है, पराया धन भी मिट्टी होता है, ये मिट्टी पर मिट्टी डालने का श्रम क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने कहा ओहो मैं तो समझता था कि मैं ही राका हूं, तू तो और बांका निकली, मुझसे भी आगे निकली, मैं तो ये मान रहा हूं कि ये स्वर्ण है और ये मिट्टी है, पर तेरी नजर में तो ये मिट्टी और ये भी मिट्टी है। तो भगवान के भक्त ऐसे होते जो भगवान से कुछ मांगते ही नहीं, भगवान से कुछ लेना नहीं चाहते। कुंती मैया ने कहा कि मुझे विपत्तियां दे दो। भगवान विपत्ति कहां से देते, भगवान के पास तो है ही नहीं। भगवान कैसे हैं, जो सुख धाम राम वसनामा, 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 अखिलो भगवान तो सुख के निदान है, सुख के धाम है, वो दुख कहां से दे, जो वस्तु होगी वही तो दे सकते हैं। तो भगवान और कुछ दिनों के लिए हस्तिनापुर में रुक गए, पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास गए। बाणों के सैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब पांडवों के सहित श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो नेत्र डबड़ डबा गए, वाह मेरे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप पधार गए। पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर उपदेश युधिष्ठिर को किया, और पितामह भीष्म ने क्या किया, मानो श्री कृष्ण ने ही पितामह भीष्म के अंदर विराजमान होकर के और सुंदर ज्ञान उपदेश करवाया है, उन्हीं ने किया। भीष्म पितामह ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति की है, और भीष्म पितामह जी की स्तुति में भीष्म जी क्या कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि सुसुखमुपगते क्वचिद्व्याहरतो प्रकृतिमुपेयसे यदप्रवाह। भागवत जी की जो स्तुतियां हैं, प्रायः स्तुतियां छूट जाती हैं, लेकिन इन स्तुतियों में ही भागवत रहस्य छुपा हुआ है। कुंती की स्तुति, भीष्म की स्तुति, ध्रुव जी की स्तुति, प्रहलाद जी की स्तुति, ये बहुत दिव्य हैं। भीष्म जी अपनी स्तुति में क्या कह रहे हैं, देखो भगवान के 12 मुख्य भक्त हैं जिनको द्वादश भागवत बोलते हैं, भीष्म जी उनमें से एक हैं। भीष्म सामान्य नहीं है, महाभागवत है। और भीष्म जी की निंदा मानो भगवत अपराध है, संत अपराध है। भीष्म जी यदि कौरवों की ओर से युद्ध लड़े तो ये भगवान की इच्छा समझकर ही, क्योंकि वो तो भगवान की कठपुतली है जहां ठाकुर जी भेजते हैं, और इसलिए भी कौरव सेना से युद्ध लड़े सामने होकर कि यदि मैं कौरव सेना में रहूंगा तो अर्जुन के रथ पर बैठे श्री कृष्ण का दर्शन करते करते युद्ध लड़ूंगा और दर्शन करते करते भगवान के धाम को जाऊंगा। स्तुति में कह रहे हैं प्रभु मेरी एक दोहित्रा है, मेरी एक कन्या है, और अभी तक वो अविवाहित है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूं। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इनकी बेटी कहां है, कौन सी बेटी। बोले मेरी बेटी है मेरी मति, मेरी जो बुद्धि है वो मेरी बेटी है, और अभी तक मैंने अपनी बुद्धि रूपी बेटी किसी को सौंपी नहीं है,
हम लोगों की जो बुद्धि है, कोई तो धन में फंसी है किसी की बुद्धि, किसी की परिवार में फंसी है, किसी की लोक की प्रतिष्ठा में लगी हुई है, तो हमने अपनी बुद्धि को संसार में दे रखा है। सुत वित लोक ईश नातीनी, तीन प्रकार की लोकेष्णा, तृष्णा कितने प्रकार की है? सुतवित लोक, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, ये संसार की जो तृष्णा है इसमें हमारी बुद्धि फंस जाती है। भीष्म जी कहते हैं मैंने अपनी बुद्धि को कहीं नहीं लगाया है, मैंने अपनी बुद्धि को बस अपने पास रखा है। आज मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, आपको अपनी बेटी समर्पित कर रहा हूं, आप इसको स्वीकार कीजिए। हम भी अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगा दें तो हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। अच्छा, दूसरा, दूसरे श्लोक में भगवान के बड़े सुंदर स्वरूप का वर्णन भीष्म जी ने किया है। क्यों? मानो अपनी बुद्धि रूपी बेटी को समझा रहे हो कि बेटी मैं तेरा विवाह जिस प्रभु से करना चाहता हूँ वो कैसे हैं। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गार वरम वरम दधावे बपुर लिख कुलावृतानाब्जम विजय सके रतिरस्तु मे नवद्या। अर्जुन के सखा वो जो श्री कृष्ण हैं, उनका कमाल के समान सुंदर वर्ण है, बड़ी सुंदर आभा है, घुंघराली अलके हैं, रत्ना में नेत्र हैं, सुंदर अधरोष्ठ हैं, सुंदर स्वरूप का वर्णन भीष्म जी ने किया है। मानो अपनी बेटी को रिझा रहे हो कि जो वर मैंने तेरे लिए चयन किया है वो कितना सुंदर है। ग्यारह श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति भीष्म जी ने की और उसके बाद अपनी बुद्धि को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके और पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ है। बोलिए श्री भीष्म जी महाराज की जय। भगवान द्वारिका नाथ ने, श्री कृष्ण ने पांडवों से भीष्म जी की उत्तर क्रिया करवाई और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधारे और द्वारिका में भगवान का दिव्य स्वागत हुआ, क्योंकि महीनों से गए हुए थे। जब लौट कर आए तो रानियों ने दिव्य स्वागत किया है, जय जयकार हुआ है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। पांडवों के यहाँ सुंदर स्वअवसर आया, उत्तरा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा की थी उसका जन्म हुआ और उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया, श्री परीक्षित जी महाराज की। आगे चल करके यही राजा परीक्षित हुए। जब पांडवों ने बाद में सुना कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए तो पांडव भी इसी बालक परीक्षित को, अब थोड़ी कथा संक्षेप में क्योंकि घड़ी कह रही है अब जल्दी से, अब कम से कम सुखदेव जी परीक्षित जी तो आज मिल जाएं। तो यही बेटा जो है इसी को राजगद्दी पर बिठा करके पांडव हिमालय की ओर निकल गए और भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने लगे। और उसके बाद परीक्षित जब राजा हुए तो इनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में हुआ। चार पुत्र हुए जिनमें बड़े का नाम हुआ जन्मेजय। बड़े बड़े यज्ञ किए और एक बार जब दिग्विजय के लिए जा रहे थे तो एक जगह देखा कि एक गाय और एक बछड़े को एक काला पुरुष सता रहा है। दंडित करना चाहा तो वो काला पुरुष कोई और नहीं था, वो कलयुग था,
और जो गाय थी वो पृथ्वी थी, जो बैल बना हुआ था वो धर्म था, गाय रूपी पृथ्वी और वृषभ रूपी धर्म को स्वस्थ किया, प्रसन्न किया और कलियुग को दंडित करना चाहा। जब कलियुग को दंडित करना चाहा, चरणों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। अब क्षत्रिय धर्म है कि कोई शरण में आ जाए तो उसको मार तो नहीं सकते, क्षत्रियों का कर्तव्य। परीक्षित ने उसको रहने के लिए कुछ स्थान दे दिए। अभ्यर्थे तथा तस्मै स्थानान कलये ददौ ज्योतं पानं स्त्रह सोनं यत्रा धर्माश्चतुर्विधा। चार स्थान दिए। आप लोग कई बार कथाओं में सुन चुके हैं कौन कौन से स्थान दिए हैं। परीक्षित ने कलियुग को द्योतम जुए में, पानम मदिरा पान जहां होता है, पर स्त्री पर पुरुष गमन, और चौथा है हिंसा। जहां हिंसा होती है वहां भी कलियुग आकर बैठ जाता है। कलियुग ने कहा महाराज एकाद तो अच्छा स्थान मिल जाता तो पांचवा स्थान स्वर्ग स्वर्ण में दे दिया, धन में। और उसके बाद महाराज परीक्षित जब अपने राज्य में लौट आए, एक बार शिकार करने के लिए गए और शिकार करते करते जब वन में थक गए तो एक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। समीक मुनि ध्यानस्थ बैठे थे। समाधि झूठी है कि सच्ची है जानने के लिए एक मृत सर्प उठाकर गले में महात्मा के डाल दिया। ये बुद्धि बिगड़ी कैसे कलयुग के कारण, क्योंकि कलियुग सर पे आकर बैठ गया परीक्षित के। अब जब ऋषि कुमार को पता चला कि मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया है तो श्राप दे दिया। इति लंगित मर्यादम तक्षकाः सप्तमे हनि दक्षंस्ति कुलांगारम चोदते मे तदत्रहम। जिसने मेरे पिताजी के गले में मृत सर्प डाला है 7 दिन बाद उसको जीवित सर्प काट लेगा, तक्षक उसको दंश मारेगा। परीक्षित जी को जब श्राप का पता चला बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने एक संत के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, ये मेरे पूर्वज धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर की राजगद्दी है और मैं अधार्मिक राजा हूं, अधर्मी हूं, पापी हूं, इस गद्दी पर बैठने का मुझे कोई अधिकार नहीं। अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और स्वयं गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए और प्रण कर लिया कि जब तक ये शरीर है अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। आमरण अन्न सन। बड़े बड़े महात्माओं को जब पता चला कि परीक्षित गंगा जी के तट पर बैठे हैं तो बड़े बड़े महात्मा वहां पहुंच गए। सबको प्रणाम करके परीक्षित ने अपनी सदगति के लिए प्रश्न किया और सब आज मौन है, कोई कुछ नहीं बोला। कौन बैठे हैं उस सभा में? अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, सरद्वान, अष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, पुलस्त, पुलहे, कृतु और कई महात्मा तो कहते हैं नारद जी भी वहां बैठे थे, व्यास जी भी वहां बैठे हैं। इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बैठे हैं और सब मौन है, क्यों? सब सोचते हैं कि आज तो हम भी श्रोता बनेंगे, यदि हम चुप रहे शांत रहे तो कोई दिव्य विभूति प्रकट होगी और आज हम सबको आनंदित करेगी, कृतार्थ करेगी, इसलिए सब मौन बैठे। ऐसा नहीं है कि उन महात्माओं में कोई बताने में योग्य नहीं था, सब बड़े बड़े योग्य महात्मा थे, पर सब आज प्रभु की इच्छा जान करके मौन हैं। परीक्षित ने भगवान की स्तुति की, प्रभु कृपा कीजिए। और उसी समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट मानो नपेक्षः अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्चवालैर अवदूत वेशः। अवदूत वेश में श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। उनके केस बिखरे हुए हैं, दिगंबर देह है, 16 वर्ष की अवस्था है, सुजात कंठ है, घुंघराले केश हैं, मुखमंडल पर दिव्य आभा है और श्री सुखदेव जी उस मुनि मंडली के मध्य में चले आ रहे हैं। सहसा सभी समाज उठकर खड़ा हो गया।
स्वागत वंदन करने लगे। एक नव युवक अभी तो अभी किशोर अवस्था ही है और वो सुखदेव जी प्रकट हुए तो सारी सभा उठ करके खड़ी हो गई। हमारे बीच में भी सुखदेव जी आ रहे हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, चरणों में वंदन किया है। हम लोग भी गुरु पूर्णिमा का अवसर है तो गुरु वंदन के साथ सुखदेव जी को गुरु मान करके और गुरु भाव से हम लोग वंदन करें। हमारे मुख्य यजमान श्री एस पी गुप्ता जी और श्री के एल विश्वकर्मा जी आकर श्री सुखदेव जी का पूजन करेंगे। यहाँ ऊपर ले आओ और आप सभी प्रेम और भाव से अपने अपने गुरुदेव का चिंतन ध्यान करें क्योंकि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये कथा हो रही है। बोलिए श्री महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की। सुख का साथी सब जगत, दुख में नाही को। दुख का साथी साईया, केवल सते गुरु हो। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक के परलोक की। जो शरण गुरु की आया, यह लोक के परलोक की। जो शरण गुरु की आया, यह लोक के परलोक की। जो शरण गुरु की आया, यह लोक के परलोक की। जो शरण गुरु की आया, यह लोक के परलोक की। जो शरण गुरु की आया, यह लोक के परलोक की। शरण गुरु की आया, यह लोक के परलोक की। जो शरण गुरु की आया, यह लोक के परलोक की। जिसके गुरु ज्ञान बचाया, जिसके गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक के परलोक की। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए।
की है। सभा के मध्य सुखदेव जी का आगमन हुआ, सभी ने सत्कार किया, परीक्षित जी ने पूजा की और आज हम गुरु रूप में श्री सुखदेव जी की इसी मूर्ति का इसी स्वरूप का करते हुए इसी को हृदयंगम करते हुए आज वाणी को यही ब्राह्म सुखदेव जी और परीक्षित के मध्य जो संवाद हुआ उसकी कथा हम लोग कल से श्रवण करेंगे। अभी कुछ आपसे निवेदन, बस 5 मिनट और बैठे रहेंगे। श्री राधा माधव सेवा संस्थान जिसके तत्वावधान में ये आयोजन चल रहा है, आप सभी को विदित है कि संस्थान गो सेवा और वृद्धजन सेवा के लिए कार्यरत है। ये संस्था जो है मूल रूप से वृद्धजनों की सेवा के लिए कार्य कर रही है। एक आयु के बाद जब बुजुर्ग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं अथवा उन्हें लगता है कि भजन के लिए कोई एकांत स्थान मिले अथवा सत्संग मिले और मैं कुछ लोगों के बीच रहकर के एक अच्छा जीवन अंतिम समय में बिताऊं, तो ऐसा एक सुंदर परिवेश देने की कल्पना राधा माधव सेवा संस्थान ने की है और उसका नाम दिया है वानप्रस्थ धाम। हमारे यहाँ 4 आश्रम कहे गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद है गृहस्थ आश्रम और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ और 50 से 75 वानप्रस्थ और उसके बाद का संन्यास जितना बचे। तो 50 के बाद वानप्रस्थ, 50 का आप 60 कर लीजिए रिटायरमेंट के बाद, बढ़िया आकर के वानप्रस्थ धाम में रहिए, भगवान का भजन कीजिए, साधना के लिए एक उत्तम स्थान वहां बनाया जा रहा है जहां पूर्ण आध्यात्मिक वातावरण होगा और आध्यात्मिक वातावरण के बीच में सत्संग ध्यान आदि के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था होगी। ऐसा प्रयास संस्था का चल रहा है और उस कार्य में आप सभी का योगदान परम आवश्यक है। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हैं कथा श्रवण कर रहे हैं आप सभी से भी आग्रह है और चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं आप लोगों को अवगत हो कि ये जो कथा आप लोग यहाँ बैठे हैं ये चल रही है एसआर दर्शन पर, लाइव प्रोग्राम इसका चल रहा है, लाइव चल रही है ये कथा। यूट्यूब पर भी आप इसको लाइव देख सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं अपने रिश्तेदारों को, दूरस्थ मित्रों को कथा की सूचना दे सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं ताकि वो अपने स्थान पर बैठ करके इस कथा का सीधा प्रसारण वहां देख सकें। एसआर दर्शन चैनल पर ये कथा लाइव प्रसारित हो रही है। तो यहाँ जो बैठे हैं उन भक्तों से भी आग्रह है और जो चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि राधा माधव सेवा संस्थान से जुड़ करके और उसका जो पुनीत संकल्प है गौ सेवा का और वृद्ध जन सेवा का उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। जो भी आप में से राधा माधव सेवा संस्थान की विस्तृत जानकारी चाहता हो अथवा संस्थान से जुड़ना चाहता हो तो हमारे संस्था के पदाधिकारीगण बैठे हैं, वहां जाकर के उनसे विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और संस्था से जुड़ने के लिए अपनी सदस्यता संस्था में ले सकते हैं। बोलिए माँ के बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हमारी संस्था की ओर से आरती के लिए जो विशिष्ट अतिथि हैं मुख्य यजमान हैं उनका उनको आमंत्रित करने के लिए कुछ स्वागत का कार्यक्रम है, उसके बाद आरती होगी। तो स्वागत के लिए हमारी संस्था के संरक्षक महोदय श्री पीएन कटारे जी कुछ नामों का संबोधन करेंगे। जिन लोगों ने इस संस्था के लिए खड़ा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनको यहाँ से सम्मानित किया जा रहा है और आज जिन लोगों का नाम सम्मान के लिए चयनित हुआ है वो नाम हमारे आदरणीय कटारे जी यहाँ से लेंगे। वो लोग मंच पर आए और उनका यहाँ से स्वागत होगा और आप लोग भी उस सत्र में जुड़े ऐसी आप सबसे ऐसा आग्रह है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर ये दिव्य और भव्य आयोजन राधा माधव संस्थान द्वारा जो शुरू किया गया है बहुत ही उल्लेखनीय है। हम सभी इसका लगातार 7 दिन तक आत्मीयता से सम्मिलित होकर आनंद उठाएंगे। संस्था का अभी
निर्माण हुआ है, जिसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। महाराज श्री गुप्ता जी या जो इससे जुड़े हुए सक्रिय सदस्य हैं, वो आपको विस्तृत जानकारी अलग से देंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इस संस्थान से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि हम एक भव्य और अच्छे आयोजन आगे आगे कर सके। अभी हमें जिन लोगों का सक्रिय योगदान इस संस्था के लिए मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, उन सब के लिए महाराज श्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा दीवान सिंह जी लोधी, सरपंच मुंगालिया कोट, वो आकर महाराज श्री से आशीर्वाद लें। श्री दीवान सिंह जी लोधी, जोरदार तालियां सरपंच साहब के लिए। तत्पश्चात श्री माता प्रसाद जी शर्मा सुराफी परिसर से, इनका भी समय समय पर बहुत योगदान संस्था को मिलता रहा है। आमंत्रित करूंगा श्री माता प्रसाद जी शर्मा सुराफी परिसर। श्री एम बी तिजारे जो मिनाल से है, और मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल फाउंडर है, संस्था भी नहीं बनी थी, सन 2005 से जुड़ के और मिला मिनाल में इन्होंने ये कार्यक्रम अनेकों शुरू करवाए, और उस सफर में चलते चलते आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि एक भोपाल लेवल के प्रोग्राम भोपाल में और बाहर करना शुरू किए हैं। श्री एम बी तिजारे। श्री एस पी साहू भवानी धाम से आए हैं, इनका भी सक्रिय सहयोग हमारी संस्था को मिलता रहा है। श्री एस पी साहू भवानी धाम। एस के चौबे जी ये बिल्कुल भावपूर्ण ढंग से जुड़ के हर प्रकार से मदद करते हैं। आमंत्रित करूंगा श्री एस पी चौबे जी को, वो आकर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पीसी चौहान, पीसी चौहान समृद्धि कॉलोनी से, इस संस्था से जुड़ के हमेशा सहयोग करते रहे हैं। आगे भी संस्था उम्मीद करेगी कि आप और सक्रिय होकर इसको आगे बढ़ाएं। श्री पीसी चौहान जी। श्री शंकर सिंह जी ठाकुर, त्रिपति अभिनव होम, इनका भी संस्था के लिए सनई सनई सक्रिय सहयोग मिलता रहा है। आमंत्रित करूंगा श्री शंकर सिंह जी ठाकुर को कि वो आकर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। वो उपस्थित नहीं है। श्रीमती दुर्गेश रायकवाड़ ये मिनाल से आई हुई हैं, ये भी संस्था के पूर्व से ही 2005 से जब ये समितियां बन रही थी, प्रारंभ हुए थे ये कार्यक्रम, उसमें इनका सक्रिय सहयोग रहा है। आगे भी उम्मीद है श्रीमती दुर्गेश रायकवाड़ जो मिनाल से आई हैं। श्रीमती सुशीला कारपेंटर ये मिनाल से आई हैं, ये भी हर समय सक्रिय रहती हैं, इनका भी सहयोग समिति को बहुत मिलता है। श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव, त्रिपति अभिनव होम, श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव, इनसे भी अनुरोध है कि वो आकर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। तत्पश्चात आरती होगी, आप सभी उसका आनंद लें। धन्यवाद। और आप लोग से आग्रह है समय का ध्यान रखें, कथा का समय 4 बजे से है। तो आप लोग कल प्रयास करें कि 4 बजे तक यहाँ आ जाएं, क्योंकि आप लोग जब आ जाते तभी कथा में आनंद आता है। तो आज जब 4 बजे हम आए थे तो हम ही हम थे, तो ऐसा ना हो कल से कुछ लोग और यहाँ पहले से आ, अच्छा होगा। वैसे आप लोगों की व्यस्तता है, ये बात निश्चित ही है। और यहाँ जो कॉलोनी वासी हैं, कैंपस वासी हैं, उनसे भी आग्रह है कि आज काफी लोग यहाँ के स्थानीय दिखाई दे रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो और भी अपने आसपास के लोगों को सूचित करें और उनको भी लेकर आए
इस क्षेत्र में कथा हो रही है तो सभी उसका लाभ लें। और ये कथा कोई राधा माधव संस्थान की या किसी की नहीं है, ऐसा भी मन में ना रखें कि ये संस्था तो बाहर के लोग कर रहे हैं कथा, उनका कार्यक्रम है। ये आप सबका कार्यक्रम है, किसी एक का कार्य नहीं है, आप सभी का है और आप सबके लिए है। इसलिए सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसको सफल बनाने में पूर्ण योगदान दें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती के लिए हमारी कथा के मुख्य यजमान श्री एसपी गुप्ता जी एवं श्री केएल विश्वकर्मा जी मंच पर आरती के लिए आएंगे और आप सभी लोग अपने अपने स्थान से भाव और प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। We got.
मंत्र पुष्पांजलि ओम चंदेन जन्मया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचंत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिरे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुष आन्तदार्धात् परार्धात् प्रतिपेश मुद्रपर्यन्ताय एकराणीति तदप्यस श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आव्यक्षतस्व काम सवे देवा सदा सदेति ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णा प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धत्ता ग्रहण परमेश्वर ओम भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय नमः चरण कमलेषु तं मंत्र पुष्प जलिम समर्पयामि बोले बाल कृष्ण लाल की जय द्वारिका भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय व्यास जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जैसे पतझड़े में फूल